स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मंथली वीडियो में आपका स्वागत है। मार्च 2020 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इवेंट्स को हम लोग अपने नए फॉर्मेट में कवर करेंगे, जिसमें पहले आपको न्यूज़ सेक्शन वाइज डिस्क्राइब की जाती है और फिर आधारित उन पर एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जाती है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आप अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में यदि मार्च 2020 से पूछ लिया जाता है तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। ये हमारी वेबसाइट है और ये दो हमारे कॉलिंग नंबर हैं। हमारे पेड ग्रुप से यहाँ पर चलते हैं। यूपीपीएससी मेंस 2019 के लिए चल रहा है, 2020 यूपीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स के फॉर्म में हमारा ग्रुप चल रहा है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी मेंस के लिए भी चल रहा है और बीपीएससी स्टेज 66 प्रीलिम्स के लिए भी। ये दो हमारे कॉलिंग नंबर है, इन पर आप क्वेरी डाल सकते हैं और पेमेंट प्रोसीजर के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शनल न्यूज़ यहाँ पर देखेंगे। एग्रीमेंट्स के फॉर्म में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के फॉर्म में, स्पोर्ट्स सबमिट अवार्ड्स एक्सेट्रा इस फॉर्म में हम देखेंगे न्यूज़, फिर इन पर आधारित एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले एग्रीमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो साइन हुए हैं मार्च मंथ में, एपीडा ने यहाँ पर एमओयू साइन किया था एसएफएसी के साथ। एसएफएसी का मतलब यहाँ पर क्या है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। इसके साथ क्यों साइन किया है समझौता, मतलब क्यों किया है समझौता, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास और यहाँ पर जो संबंधित हितधारक हैं उनको बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए और कृषि निर्यात में परस्पर सहयोग करने के लिए। एपीडा का काम क्या है, एपीडा एक अथॉरिटी है जिसका नाम है फुल फॉर्म में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये क्या क्या काम है इसका, इसका मेजर काम है एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन किसका किसका करना, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का, प्रोसेस प्रोडक्ट्स का, बिस्कुट नमकीन, इन सब का एक्सपोर्ट प्रमोशन करना। तो उसी के लिए ये स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के साथ समझौता हुआ है, बस इतना आपको याद रखना है। अब DBS बैंक ने और भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी ने COVID-19 को कवर करने वाली बीमा योजना लॉन्च की थी। इसके तहत क्या था कि अस्पताल में कोई भी व्यक्ति 10 दिनों से लेकर 30 दिनों तक अगर भर्ती होता है तो 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है उसको कवर मिलेगा। ठीक है, जो भी खर्च होगा वो फिर बीमा कंपनी उनको कवर देगी यहाँ पर, कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं अस्पताल में क्वारंटाइन वाला सिस्टम वो अफोर्ड कर सकें। 10 दिनों से लेकर 30 दिनों तक 5,000 रुपये प्रतिदिन भी अगर उनका बेड चार्ज लगेगा तो उसको कवर किया जाएगा इसके तहत। L&T सर्विसेज और कानपुर IIT जो है ये कोलैबोरेट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, बस इतना याद रखेंगे हम। अब अगला है मनी करण पार, ये पहला मेंबर बन गया है जिसने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंतर्गत आने वाला जो इंडियन गैस एक्सचेंज है इसको ज्वाइन किया है। इंडियन गैस एक्सचेंज ने इस साल फरवरी से सदस्यता अभियान शुरू किया था और ये पहला यहाँ पर सदस्य बना है मनी करण पार। बस आगे बढ़ते हम लोग। CRPF और आदित्य मेहता फाउंडेशन ने मिलकर यहाँ पर समझौता किया है, दिव्यांग सैनिकों का प्रशिक्षण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, AP माहेश्वरी हमारे महानिदेशक है, हमने बताया था आपको जनवरी मंथ के करेंट अफेयर में। आगे बढ़ते हम लोग। इंडियन ऑयल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ COSA पर हस्ताक्षर किए हैं। CUSA के फुल फॉर्म की अगर हम बात कर ले तो इसका मतलब ये होता है क्रूड ऑयल सेल्स एग्रीमेंट। तो ये साइन किया गया है, ये 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा। ठीक है, कच्चे तेल की बिक्री और खरीद के लिए दोनों संस्थानों में समझौता हुआ है। उसके बाद स्पाइस जेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसने वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए समझौता किया है GAHSL के साथ। तो GAHSL क्या है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का नाम ही है GAHSL। ठीक है, यहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। अगला एग्रीमेंट ई आरोग्य भारती नेटवर्क के बारे में, TCIL ने यहाँ पर MOU साइन किया है गैम्बिया के साथ, जिससे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ई विद्या भारती प्रोजेक्ट है नेटवर्क वाला उसके तहत काम करेंगे। ठीक है, तो TCIL का मतलब क्या है, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। इसके जो डायरेक्टर हैं कामेंद्र कुमार, उन्होंने यहाँ पर साइन किया है, जो हाई कमिश्नर हैं गैम्बिया के, इनका नाम लिखा हुआ, इनके साथ समझौता किया है। ई आरोग्य भारती और ई विद्या भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट पर काम करेंगे दोनों देश मिल करके। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से इतना डीप में नहीं देगा, वो आपसे पूछेगा ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती में हमने किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो है गैम्बिया। गैम्बिया की कैपिटल क्या है, आप लोग जल्दी से कॉमेंट करके बताइए मुझे। इसकी करेंसी है डलासी। अगला है जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए HP ने वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है।
428 ग्राम पंचायतें हैं जो हिमाचल प्रदेश की, वो यहाँ पर लाभान्वित होंगी इससे। उसके बाद पेटीएम और हैदराबाद मेट्रो ने यहाँ पर QR बेस्ड टिकट्स के लिए टाई अप किया है, ठीक है। मतलब कि आप टिकट खरीद लें पेटीएम से और QR कोड आपके पेटीएम ऐप में रहेगा, जिससे आप जो है यात्रा कर सकते हैं। तो तेलंगाना के रसूलपुर मेट्रो स्टेशन पर QR कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली शुरू हुई सबसे पहली। इसमें पार्टनर कौन है? आपका पेटीएम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डे NULM ने पार्टनरशिप यहाँ पर किसके साथ की है? अमेजोन के साथ। जब भी हम DNULM कहेंगे उसका मतलब क्या है? दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। तो साझेदारी का उद्देश्य गांव में रहने वाले लोगों के लिए स्वयं जो उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो जो उत्पाद बनाते हैं उनको ई मार्केटिंग करने के लिए अमेजोन सहयोग करेगा, ठीक। IIT मंडी ने यहाँ पर डील साइन की है नाबार्ड के साथ, जिससे वो FPO सेटअप करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये यह हो सकता है कि FPO क्या है? FPO का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्म प्रोड्यूसर्स का ग्रुप होता है जो शेयर होल्डर्स की तरह उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। जैसे कंपनी में शेयर होल्डर्स, वैसे FPOs में फार्म प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं मेंबर प्रोड्यूसर्स। तो ये सेटअप करने के लिए समझौता किया है IIT मंडी ने नाबार्ड के साथ। नाबार्ड ने यहाँ पर वित्त पोषण किया है 35 लाख रुपए का। ई वॉक सोसाइटी और IIT मंडी मिलकर के 3 FPO सेट करेंगे। अब हम जो है ई वॉक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें करंट इवेंट से आजकल न्यूज़ पूछी जा रही है। फॉर एग्जांपल, आपसे वो इंटरेस्टेड नहीं है कि नाबार्ड ने कितने पैसे दिए या फिर कौन शामिल है। आपसे पूछ लेंगे इसमें कि बताइए FPO क्या है, बताइए कि इनेबलिंग वुमेन ऑफ कामंड ये क्या इनिशिएटिव चलता है, ठीक है। तो इनेबलिंग वुमेन ऑफ कामंड ये इनिशिएटिव है IIT मंडी का, ठीक है। IIT मंडी के वुमेन सेंटर का, जो रूरल महिलाओं की हेल्प करना चाहते हैं उनके स्मॉल इंटरप्राइज सेटअप करने में। ये 5 पंचायत है वहाँ पर मंडी के पास, वहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है। तो IIT मंडी का ही प्रोजेक्ट है ई वॉक, उसके लिए नाबार्ड ने वित्त पोषण किया है। आई होप आप समझ चुके होंगे पूरा इसको। RBL बैंक ने जोमेटो के साथ यहाँ पर साझेदारी की है, क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे जिसको जिससे मतलब परचेज करने से जोमेटो पॉइंट्स मिलेंगे। उन जोमेटो पॉइंट्स को आप जो है खाना खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर अभी तो सब बंद है कोरोना की वजह से, स्विगी जोमेटो ज़्यादातर। भारत ने आर्मेनिया के साथ 40 मिलियन US डॉलर्स का रक्षा सौदा किया है, ठीक है। मेक इन इंडिया की एक बड़ी उपलब्धि इसको बताया जा रहा है। आगे हम देखें तो आईकार ने यहाँ पर MOU साइन किया है पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। आईकार यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, समझौता हुआ है पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक स्थायी कृषि विकास से संबंधित सहयोगों के अनुसंधान के लिए ये समझौता किया गया है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्सेस और सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने इस्टेब्लिश की है चेयर ऑफ एक्सीलेंस। और ये चेयर ऑफ एक्सीलेंस किसके नाम पर रखी गई है? हमारे पूर्व मार्शल के नाम पर, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह चेयर ऑफ एक्सीलेंस इसका नाम रखा गया है। अर्जन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पुराने हमारे युद्ध में, पाकिस्तान के साथ युद्ध में, चाइना के साथ युद्ध में। उनके नाम पर ये चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित की गई है इंडियन एयरफोर्सेस और सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और त्रिपुरा गवर्नमेंट ने किराए पर उपकरण सुलभ कराने वाले केंद्र के लिए MOU साइन किया है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आगे आया है त्रिपुरा सरकार के साथ। इसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं किस किस कामों में लगते हैं? एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज में। तो इनसे संबंधित जो भी उपकरण है ये एक सेंटर खोलेंगे वहाँ पर, किराए पर, बहुत न्यूनतम किराए पर उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि आपके पशुपालन करने वाले, मछली पालन करने वाले और नॉर्मल कृषकों को फ़ायदा दिया जा सके, ठीक है। उनको महंगे उपकरण खरीदने ना पड़े, वो यहाँ पर न्यूनतम किराए में हासिल कर सकें। अब आ जाते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स पर। तो अपॉइंटमेंट्स में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अरुंधति भट्टाचार्य का अपॉइंटमेंट। क्रिसिल की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये थी, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। USA की एक कंपनी है सेल्स फोर्स, इसमें जो इंडियन ऑपरेशन है उनकी नई हेड बनी है, चेयरपर्सन भी बनी है और CEO भी बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये पहले भी कई पदों पर रह चुकी हैं, तो इनको हमको देखना जरूरी है इन्होंने क्या क्या ज्वाइन किया है, क्या छोड़ा है। क्रिसिल की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी, इस्तीफा दिया। अब USA की जो सेल्स फोर्स कंपनी है उसके इंडियन ऑपरेशंस की हेड और CEO बनी, ठीक है। लोकपाल खोज समिति जब बनी थी उसकी भी सदस्य थी अरुंधति भट्टाचार्य, SBI से जुड़ी हुई थी, आप जानते हैं इनको। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ए अजय कुमार का, ये इंडिया के हाई कमिश्नर या फिर कह सकते हैं राजदूत बने हैं रिपब्लिक ऑफ युगांडा के लिए, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है सब जानना जरूरी नहीं है।
करण बाजवा ये गूगल क्लाउड इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं, गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक करण बाजवा। आगे है राजीव बजाज, राजीव बजाज एमडी और सीईओ बने हैं बजाज ऑटो कंपनी के, नए एमडी और सीईओ बने हैं। एक्चुअली में क्या है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये पहले भी थे, इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए, सॉरी 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं रविंदर सिंह ढिल्लन, ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी बने हैं, इतना ही आपको याद रखना है। हृदयेश कुमार ये जम्मू कश्मीर के नए निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नूपुर कुलश्रेष्ठ ये इंडियन कोस्ट गार्ड की नई पहली महिला डीआईजी बनी है, जहां पर डिफेंस करंट अफेयर आता है, जैसे एनडीएस सीडीएस एग्जाम का करंट अफेयर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी। इंडियन कोस्ट गार्ड का आपने ये लोगो देख लिया, सॉरी ये इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वयम रक्षामः, इसका संस्कृत में मतलब होता है, मतलब संस्कृत में लिखा है, हिंदी में इसका मतलब होता है हम रक्षा करते हैं। अगला है विमल जुल्का, विमल जुल्का भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यानी सीआईसी का वेतन कितना होता है, आप बताइए कमेंट करके, और कार्यकाल कितना होता है। फॉर्मर क्रिकेटर सुनील जोशी इनको बड़ा पद मिला है, बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं, एमएसके प्रसाद पहले थे उनको रिप्लेस किया है उन्होंने। इसके अलावा ये जो ये चीफ कमेटी बनी है, जो इलेक्शन कमेटी होती है, सॉरी सिलेक्शन कमेटी है, उसमें हरविंदर सिंह को भी शामिल किया गया है, और पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जो 83 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल थे, और आरपी सिंह फास्ट बॉलर यूपी से जो है उनको भी शामिल किया गया है। सीनियर डिप्लोमेट संजय कुमार पांडा के बारे में बात कर लें, तुर्की में भारत के नए राजदूत या फिर हाई कमिश्नर बने हैं। अजय भूषण पांडे ये नए वित्त सचिव बने हैं, ठीक है, न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। आगे बात कर लेते हैं सुधांशु पांडे, तो ये चेयरमैन और एमडी बने हैं मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एमएमटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। उसके बाद ये पेक्का लैंड लैंडमार्क जो है ये न्यू सीईओ बनी है, और प्रेसिडेंट नोकिया की, नोकिया के नए प्रेसिडेंट और सीईओ बने हैं पेका लैंडमार्क। अगला है जावेद अशरफ, जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अजय बंगा ये मास्टर कार्ड कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है कि मास्टर कार्ड कंपनी के मुख्य वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ तो हैं, हालांकि अगले वर्ष जो है रिप्लेस कर दिए जाएंगे, माइकल मिबैक इसकी जगह आ जाएंगे। बंगा जो हैं फिर रिटायर होने के बाद यहाँ पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बने रहेंगे, ठीक है, तो वर्तमान में तो हैं अभी इस साल तक। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 ये किसे मिला है, भारतीय फिल्म निर्माता जोया अख्तर को। इन्होंने टूरिज्म प्रमोट करने का काम किया था, ऐसा यहाँ पर बताया गया कॉन्क्लेव में। इन्होंने दिल धड़कने दो में कहीं और शूटिंग की, जिंदगी ना मिले दी दोबारा में सॉरी शूटिंग की, तो टूरिज्म को प्रमोट किया, हालांकि यहाँ के टूरिज्म को नहीं प्रमोट किया था, विदेशी टूरिज्म को प्रमोट किया था। तो ये IIFTC का क्या मतलब है, इसका मतलब है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, ये कहाँ पर हुआ था, मुंबई में, तो उसमें अवार्ड मिला है जोया अख्तर को। उसके बाद उपन्यासकार जो हैं रुचिका तोमर, ये भारतीय मूल की अमेरिकन है, हेमिंगवे अवार्ड इन्हें मिला है। हेमिंगवे अवार्ड किसके नाम पर आधारित है, ऑफकोर्स अगर आप थोड़े बहुत पोएट्री देखते रहते हैं तो अर्नेस्ट हेमिंगवे, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे अब नहीं है, उनकी पत्नी ने ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, हेमिंगवे अवार्ड। ये ऐसे लेखक को मिलता है जिसकी डेब्यू नावल हो, उसने कोई भी नावल पहले ना लिखी हो, और उसमें अपनी पहली नावल में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलता है। अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स ये है रुचिका तोमर की, जो भारतीय मूल की हैं उन्हें अवार्ड मिला है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। एबल पुरस्कार ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है, और इस बार 2 व्यक्तियों को मिला है, इसराइल के हेब्रू यूनिवर्सिटी के हेलल फॉरस्टनबर्ग को मिला है, फॉरस्टनबर्ग को, और ग्रेगरी मार्गलिस को मिला है, ये येल यूनिवर्सिटी से हैं, तो 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, शेयर करेंगे पुरस्कार की राशि। चमेली देवी जैन पुरस्कार द वायर की आरफा खानम शेरवानी को मिला है, और बेंगलुरु की फ्रीलांसर जो है रोहिणी मोहन उनको संयुक्त रूप से मिला है। शेरवानी को कश्मीर और उत्तर प्रदेश में जो संघर्ष की स्थिति अभी चल रही थी, आपने दिसंबर में देखा CAA NRC पर, जब बिल था CAA तब भी ये हिंसा हुई थी, और एक्ट बना तब भी हुई थी, रोहिणी मोहन ने
खोजी रिपोर्टिंग की, इनके अनुसार असम में एनआरसी को लेकर के तो ये पत्रकारिता पुरस्कार मिला है। चमेली देवी जो हैं ये महान स्वतंत्रता सेनानी थी, समुदाय सुधारक थी, उनके नाम पर ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है। तो ये लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं ऑफकोर्स, इन्हीं को मिला है। और इनकी जूरी में भी अगर आप देखेंगे तो लेफ्टिस्ट लोग ही थे, अपने ही लोगों को चुना इन्होंने, रोहिणी मोहन और आरफा खानम शेरवानी। ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम, ये अवार्ड जो है या फिर कह सकते हैं ऑनर किसे मिला है, ये हमारे पूर्व सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह को मिला है। बीबीसी का एक पोल हुआ था, इसमें पूरे समय के सबसे महानतम लीडर को चुनना था और इस पोल में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं महाराजा रणजीत सिंह के लिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर उनका शासन था, हमने पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर से आप इनका नाम रिलेट कर सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पंजाब में स्वर्ण युग कहा जाता था इनके शासनकाल में। आप मुझे कमेंट करके बताइए हिस्ट्री वाले कीड़े कि महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से आते थे, बताइए कमेंट करके। अगला है सातवां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड, ये किसे मिला है? तो स्वामीनाथन अवार्ड मिला है कुलपति वी प्रवीण राव को। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नाम पर ये अवार्ड है जो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये उसी साइंटिस्ट को मिलता है जो कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान शिक्षण या प्रशासन विस्तार के क्षेत्र में काम करते हैं। जून 2020 में उन्हें अवार्ड मिलेगा। क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा यहाँ पर बने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड हैं, इसमें बहुत सारी वैसे कैटेगरीज होती हैं। इसको अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया है भीम UPI के द्वारा और टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें बहुत सारे अवार्ड हैं। मेजर जो अवार्ड्स हैं उनको देखेंगे, लिस्ट तो पूरी ही है हमारे पास। क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को इन्होंने चुना है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना है PV सिंधु को। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने टीम ऑफ द ईयर चुना है भारतीय पुरुष हॉकी टीम को। कोच ऑफ द ईयर चुना है जसपाल राणा को। इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर चुना है रानी रामपाल को। मेंटोर ऑफ द ईयर चुना है पुलेला गोपीचंद को, जो कि कोच हैं PV सिंधु के। उसके अलावा चेंज एजेंट ऑफ द ईयर चुना है ओडिशा को। कॉरपोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर रिलायंस फाउंडेशन को। अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ सपोर्ट PV सिंधु को मिला है। यूथ आइकन ऑफ द ईयर विजेंद्र सिंह को। लाइफ टाइम अचीवमेंट बाईचुंग भूटिया को। और आइकन ऑफ द ईयर बलबीर सिंह को। उसके अलावा अगर हम देखें चौथा एडिशन वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2019 का, ये चौथा संस्करण है, महिला उद्यमियों को मिलता है। नीति आयोग जो है इसमें अवार्ड देता है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को दिया गया, उनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे पूछेंगे कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स कौन इंस्टीट्यूट करता है, तो हमारा नीति आयोग। 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ये किसे मिला है? ये मिला है जादव पायेंग को। एलिजाबेथ टू जो क्वीन है उन्होंने ये ऑनर किया है। ये एक्सेप्शनल वॉलेंटरी सर्विस के लिए मिलता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के क्षेत्र में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में जो अद्वितीय सहयोग होता है उसके लिए मिलता है ये। जादव पायेंग जो है ये किस स्टेट के हैं? ये असम के हैं। ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास ब्रह्मपुत्र नदी किनारे जो रेत का हिस्सा है उसको इन्होंने एक हरे भरे जंगल में ट्रांसफॉर्म कर दिया अपनी कड़ी मेहनत से, उसके लिए अवार्ड मिला है ये रिकॉग्निशन। 61वां वार्षिक ललित कला अकेडमी अवार्ड्स हैं, ललित कला अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। इसमें अवार्डीज़ के नाम लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश से हैं, जो आपके बिहार से हैं, जो यहाँ पर शायद MP से होंगे, अपने स्टेट के लोगों का देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज और थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। मार्च मंथ का पहला इम्पॉर्टेंट डे आखिर से शुरू करते हैं, विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, यानी कि हिरासत में रखे गए और लापता सदस्यों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये होता है 25 मार्च को। दास प्रथा के शिकार हुए लोगों और खरीदे या बेचे गए दासों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 25 मार्च को, और इसकी थीम थी कन्फ्रंटिंग स्लेवरीज लीगेसी ऑफ रेसिज्म टुगेदर। उसके बाद राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग क्रॉस ह्यूमन वायलेशंस एंड फॉर डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स, यानी सत्य के संबंध में स्थूल मानव अधिकारों का उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये होता है 24 मार्च को। उसके बाद विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को होता है, इस बरस की थीम थी इट्स टाइम। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस ये होता है 22 मार्च को, इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट। इस बार कोइंसिडेंटली वाटर, ये जो आपका मेट्रोलॉजिकल डे और वर्ल्ड वाटर डे एक ही दिन पड़े थे आपके। उसके बाद इंटरनेशनल नवरोज डे ये होता है 21 मार्च को। ठीक है,
उस इसकी कोई थीम नहीं थी। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को हुआ, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को हुआ, और इसकी थीम थी वी डिसाइड, वी डिसाइड। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च को, इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, इस पर केंद्रित है ये। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये होता है 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये होता है 20 मार्च को। हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑल टुगेदर, इस पर जो हैप्पीनेस डे के दिन हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है, उसको हम एमसीक्यू सेक्शन में या रिपोर्ट सेक्शन में देखेंगे। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को होता है, रिसाइकलिंग हीरोज इसकी थीम थी। उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को होता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है 16 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे होता है 15 मार्च को। वर्ल्ड किडनी डे होता है 12 मार्च को। अगला है इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे की इस बार थीम थी आई एम जेंडर इक्वलिटी रियलाइजिंग वीमेंस राइट, ये इसकी थीम थी। उसके बाद जन औषधि दिवस 7 मार्च को होता है। नेशनल सेफ्टी डे होता है 4 मार्च को। वर्ल्ड हियरिंग डे होता है 3 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है 3 मार्च को। उसके बाद शून्य भेदभाव का दिवस 1 मार्च को होता है। डिफेंस पर आ जाते हैं हम लोग। डिफेंस में सबसे पहले ऑपरेशन नमस्ते, तो ऑपरेशन नमस्ते हमारे इंडियन आर्मी का है। आर्मी चीफ ने इसको जो है शुरू किया था, मनोज मुकुंद नरावणे जो है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए, उसको फैलने से रोकने के लिए ऑपरेशन नमस्ते, कि सुरक्षा बलों में महामारी ना फैले, ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया था। यूएस एंड यूएई ट्रूप, इन्होंने मिलकर के एक नेटिव फरी एक्सरसाइज की है, ठीक है। तो यूएई और यूएस के लोगों ने नेटिव फरी एक्सरसाइज की है, ध्यान रखिएगा। आगे परचेज ऑफ लाइट मशीन गन एलएमजी की खरीद, एलएमजी की खरीद, हम ये एलएमजी किसके साथ खरीदेंगे, इसराइल वीपन इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। उसके लिए समझौता हुआ है, 880 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट हुआ है, 16,479 लाइट मशीन गन्स हम लोग इसराइल से खरीदेंगे। अब तेजस के बारे में बात कर लेते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिए हैं तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्सेस के लिए। 83 एयरक्राफ्ट जो है, ये जो मतलब ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, ये मिलेंगे इंडियन एयरफोर्स को। उसके बाद सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसकी थीम थी स्ट्रॉन्गर यू स्ट्रॉन्गर सोसाइटी, ये आत्म रक्षा प्रशिक्षण असम के नलबाड़ी जिले में दिया गया था। भारतीय सेना के अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी रमेश कार्की ने यहाँ पर सिखाया था दो अन्य एथलीट्स के साथ मिलकर के, कि विमेन सेल्फ डिफेंस कैसे सीख सकती हैं। उसके बाद प्रज्ञान कॉन्क्लेव, ये हुआ था नई दिल्ली के मॉनिक शॉ सेंटर में, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज द्वारा इसको किया गया था कंडक्ट। नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन, ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। इसमें मुख्य आकर्षण रहा था रेडर एक्स। रेडर एक्स को बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान और पुणे के हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी ने मिलकर के बनाया है, इसका अनावरण किया गया था रेडर एक्स का। यह है क्या चीज़ आपसे पूछ लें अगर एग्जाम में, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस है। उसके बाद ऑबिचुरीज देख लेते हैं। तो मुयम्मा का निधन हुआ था, तमिल लोक गायिका अभिनेत्री। केन शिमुरा, ये जापानी हास्य अभिनेता, इनका निधन हुआ। उसके बाद बेनी प्रसाद वर्मा, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। चंदन सिंह राठौर सेवानिवृत्त वाइस एयर मार्शल थे। जोसेफ लॉवरी, ये अमेरिका के नागरिक अधिकार नेता थे। उसके बाद रजियोगिनी दादी जानकी, ये ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख थी। ब्रह्म कुमारी में इस समय कौन फेमस है आप बताइए। सतीश गुजराल पद्म विभूषण पुरस्कार कलाकार विजेता मूर्तिकार लेखक ये सब थे। फ्लॉयड कॉर्डस, ये भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय शेफ थे। उसके बाद नेमाई घोष, ये वयोवृद्ध फोटोग्राफर और पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित थी। एल्बर्ट ऑड्रे, ये आपके कॉमिक और सह निर्माता थे। निम्मी, हिंदी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री, इनका निधन हुआ। 50 और 60 के दशक के बीच ये देखी गई थी। अब्दुल लतीफ पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। मीनाक्षी सुंदरम रामस्वामी विश्वनाथ, ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध निर्देशक थे। पी के बैनर्जी, ये महान भारतीय फुटबॉलर थे। केनी रॉजर्स, ये अमेरिका के सिंगर। उसके बाद पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज रॉजर मेवेदर। उसके बाद जयराम कुलकर्णी मराठी अभिनेता। इम्तियाज खान बॉलीवुड अभिनेता, ये नहीं रहे। पाटिल पुटप्पा, ये वयोवृद्ध पत्रकार राज्यसभा के सांसद पूर्व सदस्य, ये नहीं रहे। पुत्तसेरी रामचंद्रन, ये मलयालम कवि और विद्वान, ये नहीं रहे। उसके बाद दाना जेटोपकोवा, ये पूर्व ओलंपियन भाला चैंपियन, ठीक है। संतु मुखोपाध्याय, ये बंगाल से, नहीं रहे। मैक्स वॉन सिडो, ये स्वीडिश थे, नहीं रहे। हंसराज भारद्वाज, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे।
जेवियर पेरेस डी क्यूलर, ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे, ये नहीं रहे। उसके बाद संघ नायक शुद्धानंद महात्रो, ये बांग्लादेश बौद्ध क्रिश्चियन प्रचार संघ के प्रमुख थे। बलबीर सिंह खुल्लर, ये भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे, ये नहीं रहे। उसके बाद जोगिंदर सिंह सैनी, ये प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच थे। रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस देख लेते हैं यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट में सबसे पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पब्लिश होता है। इसमें यूएन इसको जारी करता है। फिनलैंड जो है यहाँ पर टॉप पर है, यानी कि सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। और इंडिया की रैंक है 144वीं। इंडिया की रैंक गिरी है, पिछले साल 141वीं थी, और 3 स्थान नीचे आया इंडिया, 144वीं रैंक है। उसके बाद वीमेन ऑन बोर्ड 2020, इसका ये मतलब है, इस रिपोर्ट में यहाँ कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर जो कंपनियों के बोर्ड्स होते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी या उपस्थिति कितनी है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपस्थिति है उनको ज़्यादा रैंक मिली है, और जिनकी ख़राब है उनको कम रैंक मिली है। तो वीमेन ऑन बोर्ड ये वैश्विक जो हायरिंग भर्ती निविदा प्लेटफॉर्म है, माई हायरिंग क्लब डॉट कॉम, उनका है ये। सूची में नॉर्वे को पहले स्थान पर रखा गया है। उनके बोर्ड पर 40.72% महिलाएं होती हैं लगभग हर बोर्ड में ऑन एवरेज। इंडिया को रैंक इन्होंने 12वीं दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स, चैरिटी फाउंडेशन है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, इसको जारी करती है। इसमें ए से लेकर जी तक ग्रेड दिए गए हैं कंट्रीज़ को। तो स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया, ये सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल करने वाले देश थे, इनको ए ग्रेड मिला है। इंडिया को सेकेंड यहाँ पर रखा गया है। इंडिया को सेकेंड रैंक अपने ग्रेड में मिली है, यानी सी ग्रेड में, ये ध्यान रखिएगा, सी ग्रेड मिला इंडिया को। सी ग्रेड में इंडिया की रैंक सेकेंड है। उसके बाद मोस्ट सर्च्ड वुमेन डेटा ऑन इंटरनेट, यानी इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली महिलाओं का डेटा। तो इसमें सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली महिला इंटरनेट पर 2020 में टेलर स्विफ्ट, ठीक है। उसके बाद पूरी लिस्ट दी हुई है कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन सबसे ज़्यादा सर्च की जाती हैं। तो टेलर स्विफ्ट सबसे ज़्यादा खोजी जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें स्पोर्ट्स के मामले में, सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली महिला है सेरेना विलियम्स। और उसके बाद कॉमेडी के मामले में सर्च की जाने वाली सबसे ज़्यादा महिला है, इनका नाम है एक्वाफिना, नाम है इनका। गूगल पर साल 2020 में उपन्यासकारों में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली महिला है टॉनी मॉरिसन। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का ये पोषण अभियान का ये डेटा आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण अभियान जो हमारा 2017 से चल रहा है, नेशनल न्यूट्रिएंट मिशन के नाम से शुरू हुआ था, फिर सितंबर में पोषण अभियान मनाया गया, फिर अगले सितंबर में 2020 में, फिर मार्च में 2020 में ये मनाया गया, 2019 में से मनाया गया था आपका मार्च में, फिर 20 में बनाया गया मार्च 2020 में, ठीक है। तो ये लगातार 3 सालों से चल रहा है, मिशन मोड पर ये चलता रहता है। इसमें अभी डेटा आया है कि सबसे उत्कृष्ट रैंकिंग किसकी है। इम्प्लीमेंटेशन के मामले में आंध्र प्रदेश को यहाँ पर पहली रैंक मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और रैंकिंग इंपॉर्टेंट है हमारी, कि तमिलनाडु को यहाँ पर फर्स्ट रैंक मिली है नंबर ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में, ठीक है। पूरे पोषण अभियान में टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है, और ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन के मामले में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। ये दो रैंकिंग बस इंपॉर्टेंट है, बाकी आप थोड़ा सा जरूर जानिए ये पोषण अभियान क्यों चलता है। पोषण पखवाड़ा जैसे चला अभी मार्च 2020 में, पोषण माह चला था 2018 में सेप्टेम्बर में पूरा चला था ये, ठीक है। पोषण कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 18 दिसंबर 2017 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में इसे लॉन्च किया था, ठीक है। मिशन मोड पर परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर काम करने से संबंधित है ये। इसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, कोई एक नहीं। डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस की लिस्ट आई है, इसमें बताया गया है कि कौन सा राज्य टॉप पर है। एक सूची आई है डोमेस्टिक रूफटॉप इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में। तो सबसे ज़्यादा बिजली जनरेट हो रही है डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन से गुजरात में। पूरे देश का कुल 64% जो घरेलू सौर अधिष्ठानों से, यानी कि रूफटॉप इंस्टॉलेशन से जो बिजली बनती है, उसमें 64% शेयर है गुजरात का। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, इंपॉर्टेंट टेक अवे है। उसके अलावा जो सूर्य गुजरात चलता है स्कीम, सूर्य गुजरात स्कीम चलती है, उसी की वजह से ये अचीव हो पाया है, ये ध्यान रखना है, ये आ सकता है एग्जाम में बिल्कुल। ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ की लिस्ट आई है टॉप 500 की। इसमें पहला स्थान किसे मिला है, लगातार चौथी बार ये मिला है, बीआरएसी को। बीआरएसी या ब्राक हम लोग कह सकते हैं, ये बांग्लादेश का है। 1972 में सर फजले हसन आबेद ने इसको शुरू किया था। वार रिटर्निंग रेफ्यूजीज थे, उनको
छोटी मदद पहुंचाने के लिए और उनके रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। बीआरएसी कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है? बांग्लादेश का। इसमें जो कि भारत के किसी एनजीओ को कोई महत्वपूर्ण रैंकिंग नहीं मिली, तो इसमें हम ये यही ध्यान रखेंगे बस कि बांग्लादेश का जो ये बीआरएसी है टॉप पर है। ये लिस्ट बनाई किसने है? ये बनाई है एनजीओ एडवाइज़र नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने। अब आ जाते हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स पर। स्कीम्स बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने शुरू की है। COVID-19 महामारी के दौरान कानून का पालन करने वाली कंपनियों और सीमित देयता वाली पार्टनरशिप यानी जो LLPs होती हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उनको राहत देने के लिए प्रोग्राम शुरू हुआ है। ठीक है, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम। यूपी गवर्नमेंट ने 3 ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कौशल सतरंग योजना, 7 इसमें घटक होंगे इसी वजह से इसको नाम दिया गया है। ठीक है, अवसर प्रदान किए जाएंगे युवाओं को, 2 लाख युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए IITs और अन्य प्लेसमेंट एजेंसीज के बीच समझौता हुआ है, इसका नाम है कौशल सतरंग। दूसरी स्कीम है युवा हब योजना, 1200 करोड़ रुपये यहाँ पर स्टेट खर्च करेगा इस योजना के लिए। तो इसमें क्या होगा कि परियोजना की अवधारणा और संचालन के लिए 1 वर्ष की वित्तीय मदद की जाएगी 1000 युवाओं को। ठीक है, कि उनका कोई अगर प्रोजेक्ट है तो उनको उसको फंड मिल सके। उसके बाद मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम शुरू की गई है इस लेटेस्ट बजट में। इसमें क्या है कि जो अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करेंगे उनको स्टाइपेंड के तौर पर 2500 रुपये महीना मिलेगा युवाओं को वजीफे के तौर पर। किसान रेल की बात कर लेते हैं हम, तो किसान रेल आपने बजट में भी सुना था, जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई के लिए कोल्ड सप्लाई चेन शुरू करने वाले हैं, उसमें इंडियन रेलवे सहयोग करेगा और बाकी मंत्रालय भी करेंगे। इसमें एक समिति गठन भी किया गया है किसान रेल प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए। तो भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि, किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसान रेल पर सहयोग करने वाले थे। हालांकि ये सब चीज़ें स्टॉप हैं, ये सब तब की बताई जा रही हैं जब COVID-19 ख़त्म होगा। पोषण अभियान के बारे में बात कर लें तो हमने आपको बताया था अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भी, तो कार्यक्रम जो है पोषण पखवाड़ा मनाया गया था। 14 केंद्रीय विभाग और लगभग सभी राज्य सरकारें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं जब भी पोषण माह या पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। जैसे भी मार्च में हुआ था 2020 में पोषण पखवाड़ा, तमिलनाडु ने यहाँ पर टॉप किया है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में और ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। ये कार्यक्रम जो है प्रौद्योगिकी की चीज़ों का लाभ उठाते हुए बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं में और स्तनपान कराने वाली माताओं में जो कुपोषण हो रहा है उसको खत्म करना चाहता है, उसका उन्मूलन करना चाहता है। समिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। समिट्स में डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, कहाँ पे हुई है और कौन प्रिसाइड किया और ये सब चीज़ें आती हैं, भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ ये सब। सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद जो सऊदी अरबिया के इस समय जो लीडर हैं उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। सऊदी अरब में 26 मार्च से हुई थी G20 लीडर्स की समिट। आगे बढ़ते हैं, 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी वर्ल्ड सिटीज समिट, ये कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ होगा। ठीक है, इसकी डेट आ गई है, सिंगापुर में होगा 5 से 9 जुलाई को। ठीक है, जुलाई मंथ में भी देखेंगे इसको एक बार फिर से। विंग्स इंडिया 2020, ये तेलंगाना के हैदराबाद में ये लगी थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिक्की ने इसको करवाया था, विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी। इसका आयोजन साल में 2 साल में एक बार होता है। बिम्स्टेक समिट 5वां हुआ था, सितंबर के महीने में होगा। ठीक है, अनाउंस कर दिया गया कि सितंबर के महीने में कोलंबो में होगा श्रीलंका में। 108वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन साइंस कांग्रेस, ये कहाँ पर होगी? पुणे में होगी अगले साल। ठीक है, अभी तो बेंगलुरु में ख़त्म हुई थी जनवरी मंथ में और इसकी नई डेट भी आ चुकी है, ये इंडियन साइंस कांग्रेस होगी। इसकी थीम रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ये पुणे में होगा। ठीक है, 19वां वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020, ये बेंगलुरु में होगा 6 से 8 मई को। इसकी थीम रहेगी इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अब स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक की डेट शिफ्ट हो चुकी हैं, कारण क्या है आप सभी को पता है, कोरोना वायरस। अगला है इंडियन शॉट पुटर नवीन चिकारे, इनको बैन कर दिया है IAAF ने, 4 वर्ष के लिए इनको बैन कर दिया है। फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम देख लें अगर, तो फिट इंडिया ने समझौता किया था शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के साथ कि 21 दिन के लॉकडाउन में वो बताएंगे कि 21 दिन में वेट कैसे कम कर सकते हैं आप। ठीक है, देखना चाहिए था सभी को, देखेंगे आप, देखिए इसको, ये ज़रूर आ सकता है कि किसके साथ टाई अप किया फिट इंडिया मूवमेंट ने, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के साथ। उसके बाद वृंदा राठी और जननी नारायणन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है। आईसीसी ने दो भारतीय अंपायरों को शामिल किया है आईसीसी डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में। इनका नाम है वृंदा राठी और जननी नारायणन। उसके बाद फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये फ्रेंच फेडरेशन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते शिफ्ट किया है। मतलब आप समझ लीजिए कभी नहीं शिफ्ट हुआ ये आपका फ्रेंच ओपन, ये वर्ल्ड वॉर के समय ही शिफ्ट हुआ था और अब दोबारा शिफ्ट होगा। आईएसएल के बारे में बात कर लें, इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी, इसमें गोवा के फतोरदा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में फुटबॉल क्लब ने चेन्नईयन एफसी को हरा दिया था। ठीक है, एटीके एफसी ने किसको हराया था? चेन्नई एफसी को, ये बस ध्यान रखिएगा। और ऑल इंडियन और ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप पुरुष एकल का खिताब, ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन है मेंस वाले में और चाइनी ताइपी की ताई चू चिंग है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये पुरुषों में मेल की कैटेगरी में या मेंस में और ये विमेंस में, या सकता है अलग अलग, एक साथ भी आ सकता है मैचिंग में। ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप में एक्सेलसन और ताई चू चिंग। अगला है पुरुष एकल खिताब, किसका? मेंस सिंगल ओमान ओपन का। ओमान ओपन में अचंत शरत कमल ने जीता है, ये इंडियन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। मेंस टाइटल इन्होंने जीता है ओमान में पुरुष एकल का, अचंत शरत कमल। आगे सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र ने अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जीत ली है। आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी में जैसे टेस्ट मैचेस होते हैं, तो अगर फाइनल मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो विनर इसमें निर्धारित कैसे किया जाता है आपको पता होना चाहिए कि पहली पारी के बाद, फर्स्ट इनिंग के बाद जैसे दूसरी टीम लीड ले लेती है वो जीतती है। ठीक है, जैसे 44 रन की लीड ले ली थी सौराष्ट्र ने, तो उन्होंने जीत लिया ये मैच। और हराया किसको है? बंगाल को, बंगाल रणजी को। आगे है अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स, इनको अवार्ड मिलेगा वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम्स में शामिल करने के लिए, इनको चुना गया 2021 के लिए। पीवी सिंधु इनॉग्रल एडिशन जो है बीबीसी का, इसमें इनको इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2019 का। ठीक है, बीबीसी के इनॉग्रल एडिशन में पीटी उषा को चुना गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए इन्हीं अवार्ड्स में, बीबीसी अवार्ड्स में। वसीम जाफर के बारे में बात कर लें, 2006 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट खेले थे इंडिया के लिए कुछ इंटरनेशनल मैचेस। वैसे रणजी के प्लेयर हैं, मुंबई रणजी से खेलते हैं, कप्तान भी रहे हैं खुद दिन। अब इन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, तो ये साल की शुरुआत के बारे में हम देख रहे हैं, महीने की शुरुआत में हमने देखा कि फाइनल में इंडिया पहुंची, ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, 99 रन पर जो है आउट हो गई थी इंडियन टीम, 85 रन से ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीत लिया था। इंडिया अपना कोई मैच नहीं हारी थी ग्रुप मैचेस में, फाइनल हारी सीधे। खेलो इंडिया गेम्स विमेन्स हॉकी लीग अंडर 21 वाला जो है, इसकी डेट्स आ चुकी हैं, इनके फेजेस तीन फेज में होगा ये। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में होगा, फिर आपका बेंगलुरु में होगा और फिर भुवनेश्वर में अंत होगा इसका। अपडेट, सारी डेट्स बढ़ाई जा चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। आगे अगर हम देखें, फिलीपींस होस्ट करेगा बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप को। ठीक है, पहले वो वुहान चाइना में होना था, लेकिन आपको पता है कि वुहान चाइना क्या कर रहा है, तो अब ये होगा मनीला में, फिलीपींस में, बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप। उसके बाद तस्नीन और मानसी, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है BWF योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल में। जो भी न्यूज़ है सब लॉकडाउन के पहले की आपको बताई जा रही है। ठीक है, ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैम्पियनशिप ये हरियाणा में शुरू हुई थी। उसके बाद हम देखें अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है पहले अप्रैल में होना था, अब होगा सेप्टेम्बर में, कारण एक ही है। स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ATP मैक्सिको ओपन के फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को हराकर इन्होंने ये जीत लिया। ये उनका 85वां ATP टूर अवार्ड, मतलब ये जीता हुआ टूर्नामेंट है। राफेल नडाल ने क्या जीता यहाँ पर? मेक्सिको ओपन का ATP टूर टाइटल। आइए अभी न्यूज़ पर आधारित हम लोग MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो सेक्शनल में नहीं डिस्कस की जा सकती हैं, उनको इन MCQs में हमने शामिल कर लिया है। किसी भी नॉन रेलिवेंट न्यूज़ को यहाँ पर लिया नहीं गया है और रेलिवेंट न्यूज़ को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। COVID-19 को डेडिकेटेड रहा ये पूरा मंथ, मार्च का आधा हम लोग कह सकते हैं, तो जो भी COVID-19 से रिलेटेड अपडेट है उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला है ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा वायरस COVID-19 के स्प्रेड को आर्मी में रोकने के लिए, ये सही है, ये हमने देखा सेक्शनल न्यूज़ में। फेसबुक ने COVID-19 चैटबॉट अपना शुरू किया है मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर, ये भी सही है। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी टीम 11 क्रिएट की गई उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए, ये भी सही है।
हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त के सभी। आगे क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 जो सबमिट हुई थी या कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में बताइए। ये कॉन्फ्रेंस गांधीनगर गुजरात में हुई थी 5 मार्च से 7 मार्च को, सही। क्या फिफ्थ एडिशन थे ये कॉन्फ्रेंस का और पहली बार ये गुजरात में आयोजित हुई, सही। हमारा आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू, सी। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए लगाया हुआ है हमने, ये हमारी आंसर की है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि अगर ये गलत है तो सही क्या है। सतीश गुजराल जिनका निधन हुआ है पंजाब से, वो एक आर्किटेक्ट थे, ठीक है, आर्किटेक्ट आर्टिस्ट थे। हम लोग कह सकते हैं कि डे ऑफ ग्लोरी और मॉर्निंग एंड मास, ये जो पॉपुलर पेंटिंग थी, तो हम लोग कह सकते हैं वो पेंटिंग करते थे, पेंटर थे। बाकी ए रामचंद्रन केरल से रिलेटेड साइंटिस्ट, बेनी प्रसाद वर्मा यूपी के पॉलिटिशियन समाजवादी पार्टी से थे, इनका निधन हुआ। अब्दुल लतीफ असम से थे, फुटबॉल प्लेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, जिसको ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 कहा गया है, इसके अनुसार इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी फोरकास्ट की गई इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। फोरकास्ट की गई है अब तक की सबसे कम रिकॉर्ड तोड़ 2.5%। इसी मंथ में आंका गया था कि 5.3% तक रह सकती है इस साल ग्रोथ रेट, लेकिन कोविड-19 के चलते और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो प्रभावित हो रहा है उसके चलते इंडिया की ग्रोथ रेट रह सकती है केवल और केवल 2.5%। तो ये पूछ सकते हैं कि कोविड-19 के दौरान क्या आंका गया था ग्रोथ रेट मूडीज की मैक्रो रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल मैक्रो आउटलुक के अनुसार 2.5% इंडिया के लिए मार्च 2020 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अखबार इंडिया एब्रॉड का प्रिंट एडिशन अमेरिका ने बंद कर दिया। भारत में 1000 बेड वाले कोविड-19 अस्पताल की स्थापना ओडिशा करेगा। नेशनल बुक ट्रस्ट कोरोना स्टडीज सीरीज की पुस्तकों को लॉन्च करेगा। तो पहला आंसर यहाँ पर सही है, न्यूज़पेपर ये बंद हो चुका है इंडिया एब्रॉड, और ओडिशा जल्द लॉन्च करेगा 1000 बेड वाला अस्पताल, ये भी सही। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT जो है HRD के अंतर्गत काम करता है, कोरोना स्टडीज सीरीज लेकर के आएगा। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने कोविड-19 महामारी के लिए PM केयर्स फंड की घोषणा की। ऑब्वियसली कुछ लोगों ने दान भी किया इसमें, इंडिया ने शुरू किया PM केयर्स, सी। आगे क्वेश्चन है कि चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह पर आयोजित एक समारोह में अपतटीय निगरानी पोत ICGS वरद को तटरक्षक बल ने में शामिल कर लिया गया। इसके संबंध में सही कथन बताइए। क्या इसको डिजाइन और डेवलप किया है LNT लार्सन ट्यूब्रो लिमिटेड ने, क्या ये स्टेशन किया जाएगा पारदीप ओडिशा में, और अगला है कि क्या ये 30 mm का 2.7 mm कैनन्स कैरी कर सकता है। हमारा यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी, तीनों ही सही है ICGS वरद के बारे में। आगे क्वेश्चन है कि 11वां राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन 2020 के संबंध में सही कथन चुनिए। इस सम्मेलन का आयोजन 18 फरवरी से 1 मार्च 2020 के बीच न्यू दिल्ली में किया गया। इसका थीम था एम्पायरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग। हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, दोनों करेक्ट है। यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी, एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का 24वां अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था। इसका आयोजन हुआ था आपका भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय कृषि विज्ञान ये सम्मेलन के बारे में एक चीज़ बतानी है। कृषि विज्ञान के इन सम्मेलन में पुरस्कार दिया गया है, यहाँ पर इस पुरस्कार का नाम है इनोवेटिव फार्मर अवार्ड। ये हमने अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन में डिस्कस भी किया था अगर आपको याद हो। 42 वर्षीय किसान जो हैं भारत भूषण डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं जम्मू कश्मीर के, इन्हें ये सिलेक्ट किया गया है इस अवार्ड के लिए। इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला है भारत भूषण को, ये हैं जम्मू कश्मीर के डोडा से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भुवनेश्वर ओडिशा में पूर्वी आंचलिक परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन हुआ था। इस परिषद की अध्यक्षता किसने की ये बताना है। इस परिषद की अध्यक्षता की थी अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय नौवहन स्वतंत्र प्रभार जिनका है और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख भाई मंडाविया ने छठा तटरक्षक गश्ती पोत OPV सीरीज का 6th वीजल लॉन्च किया है। इसका नाम दिया गया है वज्र, ये कहाँ लॉन्च किया गया बताना है। कोस्ट गार्ड का ऑफशोर पेट्रोल वीजल वज्र। OPV की 7 वीजल सानी है, ये छठा है वज्र। इसको जो है LNT शिप बिल्डिंग इंडिया के अंतर्गत लॉन्च किया गया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, ये लॉन्च किया गया तमिलनाडु चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी।
मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सोलर पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा, जो सोलर पावर प्लांट्स का क्लस्टर कहा जाता है? ये शाजापुर में जो है किया जाएगा। बजट जब आया था एमपीपी का तो ये बताया गया था, इसमें एक बार फिर से यहाँ पर चर्चा में है, ये शाजापुर में खुलेगा आपका सोलर पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऊबर इंडिया का जो फूड डिलीवरी बिजनेस प्लेटफॉर्म है ऊबर ईट्स, इस जो है इसका अधिग्रहण कर लिया गया जोमैटो के द्वारा, तो कितने रुपए में जोमैटो ने ऊबर ईट्स इंडिया ईट्स को खरीद लिया है? ये खरीदा है 206 मिलियन डॉलर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपने द्वारा उत्पादित प्रदूषकों की मात्रा के आधार पर स्टार रेटिंग प्रोग्राम उद्योगों के लिए लॉन्च करेगा, जो ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बनेगा? ठीक है, स्टार रेटिंग प्रोग्राम जो इंडस्ट्री जो पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस करती है उस हिसाब से स्टार रेटिंग दी जाएगी। तीसरा राज्य बनेगा झारखंड। इससे पहले जो है ऐसा कौन से दो राज्य कर चुके हैं, महाराष्ट्र में सबसे पहले आया था, फिर ओडिशा में ये स्टार रेटिंग सिस्टम आया था इंडस्ट्रीज में उनके पॉल्यूटेंट्स के लिए, मतलब तो उनके द्वारा जो पॉल्यूटेंट्स बनते हैं उसके आधार पर। अगला है कि हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा वितरित तीसरे वार्षिक पुरस्कारों के संबंध में कौन सा सही है? हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हरविंदर सिंह को प्रदान किया गया, उत्कृष्ट योगदान हेतु हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा अवार्ड भारतीय खेल प्राधिकरण को मिला। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है, दोनों ही सही है सी। और भी यहाँ पर दिया हुआ डिटेलिंग कि पुरुषों का हॉकी इंडिया का प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मनप्रीत सिंह को दिया गया है, ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मनप्रीत सिंह को, और वुमेन्स का ध्रुव बत्रा पुरस्कार मिला है रानी रामपाल को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने दिल्ली में क्लाउड रीजन खोलने की अपनी योजना की घोषणा की है, हमको बताना है कि ये कब ओपन होगा क्लाउड एरिया गूगल का नया। गूगल का क्लाउड एरिया ओपन होगा अगला 2021 में, कहाँ पर? दिल्ली में। इससे पहले मुंबई में ओपन हो चुका है पहले ही गूगल का क्लाउड एरिया, क्लाउड एरिया नहीं बोलेंगे इसको, क्लाउड रीजन बोलेंगे, ये सही टर्म है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एन एस विश्वनाथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस पद पर कार्यरत थे? तो ये थे आपके डिप्टी गवर्नर आरबीआई के, ऑप्शन नंबर सी। इनकी जगह पर कौन आए हैं हमने डिस्कस कर लिया अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 प्रदान किए गए थे, इस संबंध में आप बताइए कि गलत कौन सा है? बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर मेल मिला है साई प्रणीत को, सही। फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री को, सही। क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पीवी सिंधु को। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे मैचिंग सही मिलाए हुए हैं 1, 2, 3। और भी अवार्ड्स हमने डिस्कस करे हुए थे अपने सेक्शनल वाले वीडियो में, आपको याद होगा, जैसे आपका टेबल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है तेजिंदर पाल सिंह तूर को, एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल में दुती चांद को, और टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर में मणिका बत्रा को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बाईचुंग भूटिया को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में अंडर 19 महिला वर्ग में किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है, बताना है? तो ये जीता है तस्नीम मीर ने और मानसी सिंह ने, तस्नीम मानसी, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020 के बारे में, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, सही बात है, सही है हमारा पहला कथन। उसके बाद है कि अ टोटल नंबर ऑफ 10 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट, ये भी सही है, इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये चैंपियनशिप जीत ली, ये गलत है, और डिफेंड किया ऑस्ट्रेलिया ने अपना खिताब, 99 रन से हरा दिया इंडियन टीम को और ऑस्ट्रेलिया ने जीता, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2, बी, केवल 2 और 1। कुछ यहाँ पर और फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला, भारतीय टीम महिला टीम जो है ये रन अप रही थी इसमें, हमने बता दिया आपको, सर्वाधिक विकेट ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज मैगन स्कट ने लिए थे। उसके अलावा फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। अगला हमको बताना है ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट 2020 के बारे में, क्या इसका आयोजन दिल्ली में हुआ? सही है, इसकी थीम थी कॉपरेशन फॉर क्रिएशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, ये भी सही है, ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्घाटन या फिर कह सकते हैं इसमें एड्रेस दिया था प्रधानमंत्री जी ने, वाइस प्रेसिडेंट जी ने नहीं, तो हमारे यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली 3, ओनली 3 यानी केवल 3 यहाँ पर हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस हाल ही में संपूर्ण विश्व का विश्व में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हमारा ऑब्जर्व किया गया 15 मार्च को,
ऑप्शन नंबर बी, और इसकी मेन थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। सेकेंड फेज जो है ये 2024-25 तक चलेगा, तो उन्हें स्टेटमेंट सही है। अगला है कि इसमें 1,40,881 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2020 पारित हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य राजस्थान नगर पालिका संशोधन 2009 की तीन धाराओं में संशोधन करना था। सही, इसका जो सेक्शन 28 है इसमें ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधनों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि 2,000 से बढ़ा करके 5,000 रुपये यहाँ पर कर दी गई है। यानी एम्पलीफायर अगर लगाए जाएंगे, उल्लंघन किया जाएगा, तो 2,000 की जगह 5,000 की राशि अब फाइन की जाएगी। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ वन एंड टू। हाल ही में डैरेन टैंग को वीपो यानी कि आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। हमको बताना है कि ये डैरेन टैंग जो है ये किस कंट्री से आते हैं। डैरेन टैंग सिंगापुर से हैं। फ्रांसिस गरी जो अभी तक समय बने हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको उन्होंने रिप्लेस किया है। अब वीपो के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं डैरेन टैंग सिंगापुर के। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने COVID-19 के खिलाफ एंटी HIV ड्रग्स का इस्तेमाल किया। लॉकडाउन के बीच कर्फ्यू लागू करने वाला देश बना है पहला पंजाब। पंजाब में ने कर्फ्यू लगाया था। यहाँ पर रणजी ट्रॉफी 2019-2020 की विजेता टीम है सौराष्ट्र। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, डी, ये सभी हमने देखे हैं। थर्ड वाला हमने देखा है अपना स्पोर्ट्स करंट अफेयर में, बंगाल रणजी को हराया था इन्होंने। आगे क्वेश्चन है हमारा कि 4 मार्च 2020 को कैरन पोलार्ड 500 T20 मैचेस क्लब क्रिकेट IPL सब मिला के, बिग बैश सब मिला के खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये किस टीम के कप्तान हैं इस समय? ऑफकोर्स वेस्ट इंडीज़ के। ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज़। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कनाडा के जीवाश्म विज्ञानी द्वारा सबसे पुराना टायरेनोसॉरस प्रजाति की खोज की गई है, ठीक है। उसके बाद 12 2020 मार्च को संपूर्ण विश्व में विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। पीवी सिंधु को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब मिला। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन है कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वसीम जाफर ने अनाउंसमेंट कर दी सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की। इंडियन ओशन कमीशन का इंडिया 5th ऑब्जर्वर कंट्री बना। अगला है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केव फिश जो है ये मेघालय में डिस्कवर की गई है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ, ऑल ऑफ द अबव, डी। इंडोनेशिया में जो माउंट मेरापी ज्वालामुखी है इसमें विस्फोट हुआ है। हम कह सकते हैं किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ऑब्वियसली ये एक्टिव वोल्केनो है, क्योंकि एक्टिव वोल्केनो ही इरप्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि लेखक हरिओम तिवारी की पुस्तक टाइगर स्पीक का विमोचन किसने किया? टाइगर स्पीक का विमोचन किया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो मुख्यमंत्री थे जब तक नहीं बने दोबारा से शिवराज सिंह, तब उन्होंने ये अनावरण किया था इस पुस्तक का। टाइगर स्पीक के लेखक कौन है? हरिओम तिवारी, ध्यान रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने निर्णय किया कि उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रखा जाएगा? नाम ये रखा जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। यूनिवर्सिटी ये है कहाँ पर? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व बैंक ने कोरोना वायरस COVID-19 से पीड़ित देशों की मदद करने के लिए 12 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की, ठीक है, ये सही है। COVID-19 नेशनल टेलीकम्युनिकेशन सेंटर कॉन्टेक्ट का इनाग्रेशन हुआ डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ये टेलीकम्युनिकेशन सेंटर बनाया गया है COVID-19 की अपडेट्स के लिए, इससे निपटने के लिए, इसके बारे में जानकारी साझा करने के लिए और ऑपरेशंस को मोबिलाइज करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, बोथ वन एंड टू। आगे क्वेश्चन है कि माहिम वर्मा जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, ये किस संस्था के उपाध्यक्ष थे? ये BCCI के थे। ऑप्शन नंबर सी। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हृदयेश कुमार को जम्मू कश्मीर का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। सही, मुख्यमंत्री लॉयर फेडरेशन लॉयर वेलफेयर स्कीम नई दिल्ली सरकार ने चलाई थी। मैसिया मोदी टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इस पुस्तक के लेखक तवलीन सिंह हैं। तो तवलीन सिंह ने लिखी है किताब, सही है।
चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट की है, और हृदय कुमार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बने हैं। ऑल ऑफ द अबव, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इंडिया को 46वीं रैंक मिली है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में, ठीक है। इसमें हमको बताना है पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी। दूसरे पर न्यूजीलैंड है और यूएस है तीसरे स्थान पर। इंडिया का रैंक जरूर ध्यान रखिएगा 46वीं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय पर्वतारोही ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट कोसिस्को को फतेह कर लिया है, वहां पर चढ़ाई की है। इनका नाम है भावना देहारिया, ऑप्शन नंबर सी भावना देहारिया। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में महिलाओं के लिए डिजी पाइवॉट कौशल कार्यक्रम किस कंपनी ने चलाया है, ये चलाया था गूगल इंडिया ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्य कला शक्ति डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कैपेबिलिटीज इन डिसबिलिटीज, यानी कि दिव्य कला शक्ति अक्षमताओं में क्षमताओं का प्रदर्शन, ये कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था, चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है, प्रगति नामक जो इनिशिएटिव है फेसबुक ने शुरू किया है, प्रशांत कुमार अपॉइंट किए गए हैं MD और CEO एक्सिस यस बैंक के, सॉरी, और एकाटरिनी कैलोपोलो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है ग्रीस की। तीनों ही न्यूज़ यहाँ पर सही है, पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है। हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अभी हमको बताना है डाक विभाग ने भारत में पहली बार मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस शहर में शुरू की है, ये शुरू की है पायलट तौर पर कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। ये वहाँ पर शुरू की गई इसलिए क्योंकि जो लोग ऑफिस आवर्स में अपने पार्सल नहीं पिकअप कर सकते हैं घर पर रहकर, उनके लिए सुविधा है। इसका मतलब ये है कि आपको एक डिजिटल कोड मिल जाएगा, आप संबंधित पोस्ट ऑफिस के लॉकर पर जाकर वहाँ से अपना पार्सल निकाल सकते हैं। वो 7 दिनों तक पोस्ट वाले फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पार्सल वहाँ पर सुरक्षित रखेंगे 7 दिन तक। ये कोलकाता के 2 पोस्ट ऑफिस में शुरू किया गया है, उनका नाम रखना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सतरंग योजना शुरू की है, इस योजना में कितनी योजनाएं आती हैं, ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें सब स्कीम्स आएंगी 7 क्योंकि इसका नाम ही है सतरंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस COVID-19 के प्रसार से बचने के लिए कौन सा अभियान चलाया था, ये कर्नाटक ने चलाया था नमस्ते ओवर हैंडशेक, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बता दें सतरंग में स्कीम्स कौन कौन सी शामिल हैं, अगर आ जाए तो ये एक्सप्लेनेशन कॉपी है जो पेड रूप पर मिलती है। इसमें CM युवा हब स्कीम आएगी, इसमें मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम आएगी, जिला कौशल विकास योजना आएगी, तहसील स्तर पर कौशल पखवाड़ा योजना आ जाएगी, इसमें प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाने वाली स्कीम आ जाएगी, 3 प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ MOU साइन किया गया है इसमें, तो ये 7 स्कीम है सतरंग की। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है, फाइंड करना है। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सही है, इनको एड्स आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को, उसके बाद कर्नाटक सरकार यहाँ पर पहली गवर्नमेंट बनी जो लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट जिसने किया था कोरोना वायरस को रोकने के लिए, एपिडेमिक डिसीज COVID-19 रेगुलेशंस 2020 लेकर के आए थे वो लोग, उसी दिन जिस दिन WHO ने इसे पैंडेमिक डिक्लेयर किया। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सॉरी। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तरायण योजना के तहत 33 स्टेडियमों का निर्माण करने की घोषणा की है, असम की है ये उत्तरायण योजना, ऑप्शन नंबर बी असम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जहाजरानी और रसायन उर्वरक मंत्री श्री मनसुख भाई मंडाविया ने मांडवा में रोपैक्स फेरी वेजल और इसके टर्मिनल का उद्घाटन किया, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपका मांडवा, मांडवा है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है बी। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन नाम से एक हैंड वॉशिंग कैंपेन शुरू की थी COVID-19 के तहत, केरल ने कैंपेन चलाई थी, ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश ने जॉय बांग्ला को अपने राष्ट्रीय नारे यानी कि नेशनल स्लोगन के रूप में मान्यता देने की बात कही है, अमिताभ बच्चन को IDFC फर्स्ट बैंक के पहले राजदूत के रूप में या एम्बेसडर के रूप में घोषित किया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने एरिक हॉर्सविट्स को अपना चीफ साइंटिफिक ऑफिसर नियुक्त किया है। तुम्हारे यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय संस्कृति अध्ययन केंद्र नामक एक संस्थान की स्थापना की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है, यहाँ पर सही कर लेंगे, यहाँ पर संस्कृत नहीं होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शुरू की है और यहाँ पर होगा संस्कृति मंत्रालय।
अगला क्वेश्चन है कि वुमेन एंड बोर्ड टाइटल के नाम से ये रिपोर्ट आई है, इसमें भारत को 12वां स्थान मिला है। वुमेन एंड बोर्ड टाइटल के अनुसार जिस देश की कंपनियों के बोर्ड में महिलाएं ज़्यादा शामिल होती हैं उस हिसाब से रैंक दी गई है। इंडिया की रैंक इसमें पूरे वर्ल्ड में 12वीं है, इसमें पहली रैंक किसकी है ये बताना है। पहली रैंक मिली है नॉर्वे को, ऑप्शन नंबर बी। नॉर्वे के कंपनीज के बोर्ड में सबसे ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी के संबंध में सेवाएं देने हेतु इजाज़त दी। फतेह सिंह राठौड़ वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 रितेश सिरोठिया को प्रदान किया गया है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका फतेह सिंह राठौड़ वाइल्ड लाइफ वॉरियर पुरस्कार है, ये मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कन्फर करता है। रितेश सिरोठिया जबकि मध्य प्रदेश से नहीं है, ये फॉरेस्ट ऑफिसर हैं राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर सही है बोथ वन एंड टू। अगला क्वेश्चन है कि किस गांव का नाम बदल करके अभिमन्युपुर रखा जाएगा हरियाणा में। अमीन गांव का नाम बदल करके अभिमन्युपुर रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में अनुसंधान पर बैठक 18 मार्च को दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें बताना है कि इसमें अध्यक्षता किसने की थी। इसमें हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने अध्यक्षता की थी, रमेश पोखरियाल निशंक ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि पशु संरक्षण सूचकांक के सी ग्रेड की लिस्ट में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। विंग्स इंडिया 2020 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में हुआ और होला मोहल्ला फेस्टिवल ये आनंदपुर साहिब पंजाब में मनाया गया। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं, यहाँ पर सही है ऑल ऑफ द अबव। उत्तर प्रदेश ने आनंद फानंद में श्रमिक भरण योजना शुरू की थी, इसके तहत लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों को कितने रुपये की राशि महीने में खाते में उनके प्रदान की जानी है। ये मिलेंगे 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ चुका है, इसमें फिनलैंड ने यहाँ पर पहला स्थान हासिल किया है। हमको बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया की रैंक पिछले साल 141 थी और 3 रैंक खराब हुई है इंडिया की, इंडिया अब आ चुका है 144 पर, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि क्लाउड जो है गोकडल में दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशंस एक्सचेंज भारत में लॉन्च किया गया। अगला है 2020 ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इनोवेशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। हमको बताना कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, वन एंड टू बोथ। अब देख लेते हैं, ये डेनमार्क को जैसे सेकंड स्थान मिला था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, अफगानिस्तान को आखिरी स्थान मिला था 153वां, इसमें थर्ड पर आइसलैंड था, फोर्थ और फोर्थ पर नॉर्वे था, नॉर्वे फिफ्थ पर था, सेकंड प्लेस डेनमार्क को, स्विट्जरलैंड थर्ड, आइसलैंड फोर्थ, नॉर्वे फिफ्थ, लास्ट पर अफगानिस्तान। ये थोड़ा आप देख सकते हैं। प्रिंसेस मारिया टेरेसा जो स्पेन की थी उनकी डेथ हुई थी, वो इस इन्फेक्शन से मरने वाली पहली शाही परिवार की बनी थी। हालांकि वो कहने को राजकुमारी है लेकिन उनकी एज 86 ईयर की थी करीब। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हैप्पी आर शुरू किया था, महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया इसको। ऑटो रिक्शा में हैप्पी आर का मतलब है 12 से 4 बजे तक 15% का डिस्काउंट मिलेगा पैसेंजर्स को। ऑटो रिक्शा पर ये लागू होना था, वो काली पीली वहाँ पर टैक्सी चलती वहाँ पर लागू नहीं होना था, और ऐप बेस्ड टैक्सीज हैं ओला उबर उन पर भी नहीं। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने अप्रूव किया है एक बिल कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट पर। तो महाराष्ट्र के बारे में तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, टी। हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर अब नॉट करेक्ट है। पहला है कि भारत और जापान ने रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पर साइन किया है, 15,295 करोड़ रुपये का, सही है। राजस्थान फाउंडेशन डे बनाते हैं 28 मार्च को, ये गलत है क्योंकि बनाते हैं हम लोग कब, राजस्थान फाउंडेशन डे 30 मार्च को। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसमें, ओनली टू। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट भालचंद्र मुंगेकर की है, ये सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड इनकरेक्ट है, ओनली टू हमारा आंसर हो गया। संयुक्त तो राष्ट्र के अभी तक के एस्टिमेट्स के अनुसार कोविड 19 संक्रमण से हुए अलग अलग देशों में लॉकडाउन से कितने लोग अपनी जॉब गंवा सकते हैं। जॉब लोग गंवा सकते हैं करीब 25 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि कोविड 19 के खिलाफ वर्चुअल ग्रुप ऑफ G20 समिट से संबंधित कथन में कौन सा सही है। इस समिट की अध्यक्षता सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने की थी, सही है। इस सम्मेलन में G20 नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन निवेश करने की घोषणा की। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व PM ने किया था, मोदी जी ने। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। DRDO ने 4 वस्तुएं डेवलप की कोविड 19 से लड़ने के लिए।
इसमें हैंड सैनिटाइजर शामिल है, वेंटिलेटर शामिल है, N99 मास्क शामिल है और बॉडी सूट शामिल है। ठीक है, ये सब इन्होंने डेवलप किया है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2019 में पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसके तहत किसे महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार मिलेगा डॉक्टर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा को, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें कुछ और पुरस्कार होते हैं, संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार होता है विश्व भारती पुरस्कार, ये किसको मिला है? डॉक्टर चांदी किरण सलूजा को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व भारती पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर चांदी किरण सलूजा को। महर्षि व्यास सम्मान इसमें होता है, व्यास पुरस्कार इसमें मिला है सुद्योमाचार्य, सुद्रमाचार्य जो हैं वाराणसी में उनको मिला है। महर्षि नारद पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर बलदेवानंद सागर को, ये न्यू दिल्ली से हैं। तो ये पुरस्कार हो गए हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत संस्थान के, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के। अगला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का, हर साल 24 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अचीवर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर वी जी सोमानी वर्तमान ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। वी जी सोमानी जो बने हैं ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये हेड किसको करते हैं? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला है कि गुजरात पुलिस पहली पुलिस बन गई इंडिया की जिसने टेसर गन्स पेश की हैं। टेसर गन्स जो है ये यूके की मेट्रोपॉलिटन पुलिस और लॉस एंजल्स की पुलिस के पास होती है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंप्रेस्ड नाइट्रोजन से इसमें फायर किया जाता है, जो दो प्रोब्स छोड़ती हैं जो लोग हंगामा कर रहे होते हैं उनके ऊपर, इलेक्ट्रिक वायर्स अटैच होते हैं उनसे, इनसे वो मस्कुलर रीजन में करंट छोड़ती है जिससे लोग अपना अचेत होकर के गिर जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षति भी नहीं होती है। तो ये हमारा आंसर है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, तीनों ही बहुत जरूरी स्टेटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने पीएम केयर्स में 25 करोड़ रुपए का दान दिया था? अक्षय कुमार चर्चा में आए थे 25 करोड़ रुपए दे करके, ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है 26 मार्च को, सही है। करूर वैश्य बैंक ने एक नया अपना कार्ड शुरू किया है, इसको एनकैसू कहा गया है, जिसको तमिल में बोलेंगे माई कैश। ग्रेगरी मार्गलिस और हेलेल फ्रस्टनबर्ग को एबल पुरस्कार 2020 के संयुक्त विजेताओं के रूप में घोषित किया गया है, सही। तो इसमें हमारा पर आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि सारे ही करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, COVID-19 के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए कॉन्टैक्ट सेंटर की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि नॉन फिक्शन में इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर राइटिंग्स इमेजेस एंड सॉन्ग्स, इसके लिए द हिंदू प्राइज 2019 किसे मिला है? ये मिला है शांतनु दास, ये लेखक हैं इस किताब के। इसके अलावा जैसे इसमें पूछा है कि नॉन फिक्शन में, तो उनको फिक्शन वाला भी जरूर पता होना चाहिए। फिक्शन की कैटेगरी में अवार्ड मिला है मिर्ज़ा वहीद को, द हिंदू प्राइज 2019, उनकी किताब का नाम है टेल हर एवरीथिंग। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री इस समय जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण ने COVID-19 संकट से निपटने के लिए गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए के राहत कोष की घोषणा की है, ये बताना है। ये पूरा फंड कॉर्पस है 1,70,000, ये है 1.70 लाख करोड़ का, ठीक है, 1.7 लाख करोड़ का। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप में दो लोगों को नियुक्त किया गया है, एक सतीश कुमार गुप्ता है, हमको दूसरे सदस्य का नाम बताना है। तो सतीश कुमार गुप्ता को बनाया गया और दूसरा सदस्य बनाया गया कृष्ण मोहन प्रसाद को, CBDT का, ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि CBDT के हेड इस समय कौन है, जिनको चेयरपर्सन बोलते हैं वो कौन है CBDT के इस समय। अगला है MACS408228 बायोफोर्टिफाइड हाई प्रोटीन गेहूं की एक किस्म है, इसे हाल ही में किस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ एग्रीकल्चर पूछा जाता है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि COVID-19 संकट के दौरान सुरक्षित और मजबूत बना रहे पूरा ग्लोबल नेटवर्क, इसके लिए ग्लोबल नेटवर्क रिसीवेबिलिटी प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, बताना है। ये लॉन्च किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब हीथन वॉटसन ने जीता,
नासा की कैपलर अंतरिक्ष दूरबीन ने हाल ही में 17 नए ग्रहों की खोज की। नोवाक जोकोविच ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो यहाँ पर तीनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं, और यहाँ पर सही चला जाएगा ऑल ऑफ द अबव डी। अगला क्वेश्चन है कि 24 मार्च 2020 को सोमालिया के पूर्व फुटबॉलर अब्दुल कादिर मोहम्मद फराह की मृत्यु का कारण क्या था? ऑफ कोर्स इसका आंसर है नोवल कोरोना वायरस ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की किस पहली कंपनी ने देश भर में BS6 भारत स्टेज 6 ईंधन की आपूर्ति शुरू कर दी है? तो आपूर्ति शुरू करने वाला सबसे पहला ये कंपनी बना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के 26वें संस्करण में भारत की रैंक 120 है। इस सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला ये बताना है आपको। पहला स्थान इसमें मिला है आपका सिंगापुर को, और इसमें आपका थर्ड प्लेस पर है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 22 मार्च 2020 को विश्व जल दिवस मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सेव वाटर सेव लाइफ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा कथन सही है? भारत का पहला राज्य गोवा था जिसने COVID-19 के लिए इनोवेसर इंक के साथ समझौता किया। हाल ही में मयिलादुथुरई तमिलनाडु का 38वां डिस्ट्रिक्ट बना। लीगेसी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक की लेखिका सविता छाबड़ा है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। इनोवेसर इंक के साथ गोवा ने मिलकर के एक ऐप डेवलप किया था जिसमें अपनी इनपुट्स दे करके आप सजेशन ले सकते थे बॉट से कि क्या आपको कोविड का टेस्ट कराने की ज़रूरत है या फिर नहीं। तो ये मेडिकल से संबंधित नहीं है, ये कह सकते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन आधारित था। इसमें आपकी डिटेलिंग ली जाती थी कि आप कभी विदेश से आए पिछले जो है 15 दिन में, क्या आपको खांसी बुखार हो रहा है, अपने आप पूरी डिटेल उसमें डालिए, फिर वो आपको ऐप बताता था इनोवेसर इंक के द्वारा डेवलप किया गया कि क्या आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत है कोविड के लिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2020 में अर्थ आवर 28 मार्च को सायंकाल को 8:30 से 9:30 के बीच मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बनेगा, और ये है जो है COVID-19 संबंधित क्वारंटाइन मोबाइल ऐप IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया। तो सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे डी। ये देख लीजिए आप लोग, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जम्मू कश्मीर को सतत विकास लक्ष्यों पर अपनी पहली पायलट परियोजना के लिए किस संस्था ने चुना है? जो भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरा करने के लिए जिम्मेदार है वही चुनेगी ऑफ कोर्स नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 अप्रैल 2020 से वॉलमार्ट द्वारा बेस्ट प्राइस के CEO के रूप में अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया, सही। वर्ष 2019 के लिए अंगदान के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है, ये भी सही है, ठीक है। और बॉलीवुड के फेमस एक्टर जो एक्ट्रेस नवाब बानो हैं, उनकी 87 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव डी। केरला गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया है बॉटल ड्रिंकिंग वाटर्स के लिए। जैसे 20 रुपये की बोतल है, उसका एक फिक्स प्राइस रहेगा 13 रुपये, 13 रुपये लीटर से ज़्यादा केरल में पानी की बोतल नहीं बिक सकती। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? भारत में इंडियन हाइपर लूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन IIT मद्रास ने किया था। रिलायंस फाउंडेशन ने भारत के पहले समर्पित यानी COVID-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल की स्थापना की। इकबाल सिंह बैंस को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया। तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर एक बार फिर से सही है, 1, 2, 3 ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहाँ पर पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली और ई नाइट बीट जांच प्रणाली शुरू की? ई नाइट बीट का मतलब है उसमें यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजीज का, जो भी क्रिमिनल हैं जो कार लेकर के चलते हैं या सस्पेक्टेड हैं उनको जो है रोका जा सके। तो ये कहाँ पर किया गया है पायलट तौर पर? शिमला में, ऑप्शन नंबर ए। शिमला पुलिस हिमाचल प्रदेश ने ई नाइट बीट चेक सिस्टम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा कथन सही है? हाल ही में कनाडा ने टोक्यो ओलंपिक से खुद को बाहर कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान जो है फिर से इन्होंने शपथ ली 4थी बार मध्य प्रदेश के CM के तौर पर। रुचिका तोमर ने एनुअल PEN हेमिंगवे अवार्ड जीता है अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सही हैं, 1, 2, 3 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड कोंकल संगमा ने मदर प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? यह आवंटन किया है 2.5 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पूछ सकते हैं कि आपका मदर
प्रोग्राम कहाँ किससे रिलेटेड है? मेघालय से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? चमेली देवी जैन पुरस्कार रोहिणी मोहन और आरफा खानम शेरवानी को मिला। कोविड-19 संबंधित जानकारी के लिए सार्क ने वेबसाइट बनाई थी covid19sdmc.org, और कोविड-19 के बीच शहर को साफ रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला सिटी बना था इंदौर। तीनों स्टेटमेंट एक बार फिर से सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है कि भूषण पी धर्माधिकारी को बॉम्बे हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। सही। और मेन थीम मेट्रोलॉजिकल डे की है, क्लाइमेट एंड वाटर। उसके बाद सेवेंथ बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में करंट रिवर्स रेपो रेट इंडिया की 4% पे आ गई है। सही है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। राजस्थान पुलिस ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान राजकॉप नागरिक मोबाइल ऐप शुरू किया था। कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने की थी। सही। और कोविड-19 के कारण रेपो राशि को 25,000 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, रेपो ऑक्शन अमाउंट को। तो राजकॉप वाला ऐप सही है, इसके तहत जो है पासेस जारी किए जा सकते हैं अगर किसी को जरूरी काम से बाहर जाना है, और आप अपनी सामग्री भी मंगवा सकते हैं प्रशासन से कह करके। टास्क फोर्स जो है एस्टेब्लिश की जाएगी, कोविड-19 की गई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। सही है, हर्षवर्धन जी ने इसका उद्घाटन किया था। आरबीआई ने ऑक्शन अमाउंट बढ़ा दिया है। तीनों स्टेटमेंट सही है। डी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की फ्लाइंग कार निर्माता पीएएल यानी कि पर्सनल एयर लैंड व्हीकल ने गुजरात में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये डच कंपनी है, नीदरलैंड की है। ये पहले भी आ चुका है लेकिन फाइनली अब जो है 2021 से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा गुजरात में, ऐसा माना जा रहा है। बी यहाँ पर सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा कथन सही देखा गया है? मोजीबन कार्यक्रम की शुरुआत। मोजीबन कार्यक्रम की शुरुआत ओडिशा सरकार ने की। और अगला है कि संपूर्ण विश्व में विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। मोजीबन प्रोग्राम जो है ओडिशा गवर्नमेंट का है। कौन सा पेयर यहाँ पर नॉट करेक्ट है, सही नहीं मिलाया हुआ है? स्वावलंबन एक्सप्रेस जो है सिडबी चलाएगा। सही। और माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क जो है व्हाट्सएप पर लॉन्च हुआ है। सही। उसके बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर लॉन्च हुआ है माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क। आपका कैरो 2020 रेगुलेशन ऑफ कंपनीज, ये भी सही है। डू द फाइव कैंपेन ये फेसबुक का नहीं है, यही हमारा आंसर है। ये है गूगल का कैंपेन, ना कि फेसबुक का। ये हमारा आंसर सही है। वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस के बारे में आप बताइए। इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक में। हुआ था नहीं, होगा मई 6 से लेकर 8 तक बेंगलुरु कर्नाटक में होगा। सही। थीम इसकी रहेगी इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन इन प्रोडक्टिविटी। सही। वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंसेस, इसका हेडक्वार्टर का जेनेवा में है स्विट्जरलैंड में। ये गलत है हमारा, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, वन एंड टू ओनली। थर्ड इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। आगे क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने ईकम फेस्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी किससे संबंधित है? ये संबंधित है दिव्यांग इंटरप्रेन्योर से। दिव्यांग इंटरप्रेन्योर्स का ये एकम टेस्ट हुआ था दिल्ली में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा गठित चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर वी के पाल हैं, इसका संबंध किससे है? ऑब्वियसली इसका संबंध है कोविड-19 से, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कितने लड़ाकू विमान निर्मित करके देने का फैसला किया है? 83 विमान दिए जाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर आधारित पुस्तक इनविंसिबल को किसने लॉन्च किया है? इनविंसिबल को लॉन्च किया है अभी हाल में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने। और इसके लेखक अगर पूछ ले कौन है तो तरुण विजय है, इसी वजह से मैंने ऑप्शन नंबर वन में लिख दिया है। अगर पूछ लें कि इनविंसिबल लिखी किसने है तो तरुण विजय ने, अगर लॉन्च किसने की है तो राजनाथ सिंह जी ने। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का टॉपर रहा यहाँ पर पंजाब। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पंजाब ने जीता। सही। केरल ने आई एम एल्सो डिजिटल के नाम से एक लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी कैंपेन चलाया था यहाँ पर। सही।
समीर अग्रवाल, ये वॉलमार्ट की जो कंपनी है उसमें इनके इंडियन ऑपरेशंस का हेड बना दिया। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, 1, 2 एंड 3। आगे क्वेश्चन है कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पेरिस में उद्घाटन होगा। उसके बाद है कि चापचरकुट नाम का लोकप्रिय त्यौहार मिजोरम में मनाया गया। हाल ही में रशिया ने एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था। 2024 का समर पर ओलंपिक गेम होगा पेरिस में, और 2028 का लॉस एंजल्स में होगा। चापचरकुट जो है ये आपका मिजोरम का ही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जुर्माना जो है रशिया ने नहीं लगाया, ये लगाया फ्रांस ने, फ्रांस। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2। कौन से कथन यहाँ पर करेक्ट है? बिपाशा चक्रवर्ती यहाँ पर बनाई गई हैं कम्युनिकेशन डायरेक्टर फेसबुक की, सही। विमल जुल्का यहाँ पर बनाए गए हैं न्यू चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये भी सही। उसके बाद अजय भूषण पांडे यहाँ पर बने हैं न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये भी सही। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन है कि रिसेंटली अभी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान, तो हमको बताना है कि किसके साथ मिलकर के किया था? नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ, बी। आगे क्वेश्चन है कि पुस्तक एडवेंचर्स ऑफ अ डेयरडेविल डेमोक्रेट, इसका संबंध बिजू पटनायक से है, सही। ऑथर जो है बुक के माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के भाल चंद्र मुंगेकर हैं, सही। मोबाइल एप्लीकेशन हम सफर जो है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फ्यूल से संबंधित है, और फ्यूल में कौन सा फ्यूल? क्या पेट्रोल? नहीं, ये डीजल सप्लायर सप्लाइंग से संबंधित है, जनरेटर्स के लिए, छोटे मोटे बैंकेट हॉल्स के लिए, होटल्स के लिए, या फिर अगर आपका कोई ऐसा काम है घर गृह उद्योग जिसमें आपको डीजल की जरूरत पड़ती है बल्क में 50-60 लीटर, तो आपको घर पे पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव सारे। हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर जो इंदौर से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के तहत जोड़ा जाएगा? यह है किशनगढ़, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस डिसीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस अभियान की शुरू किस कह सकते हैं हम लोग ऐप की शुरुआत की है? ऐप का नाम है कोवा पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि क्लारा नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट डेवलप किया गया था कोविड-19 के संबंध में अमेरिका के द्वारा। सार्क सदस्य श्रीलंका ने कोविड-19 सार्क आपातकालीन निधि में $5 बिलियन का योगदान दिया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2। कौन सा कथन यहाँ पर पूछा है अब इनकरेक्ट है, गलत है। SS देसवाल बने हैं डायरेक्टर जनरल BSF के, ये सही है। थीम ट्यूबरकुलोसिस डे की है 2020 की, इट्स टाइम, ये भी सही है। शादी भाग्य योजना आंध्र प्रदेश की नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कर्नाटक में चल रही थी स्कीम लगातार 2012 से, और 2020 में इसको बंद कर दिया है क्योंकि जो है फंड इसके लिए नहीं एलोकेट किया गया। शादी भाग्य योजना में 50,000 रुपये की सहायता मिलती थी, महिलाएं जो विवाहित होने वाली होती थी युवतियाँ वो लाभान्वित होती थी इससे। पहले विदाई योजना नाम था इसका, फिर बदल करके शादी भाग्य योजना हो गया। कर्नाटक की स्कीम थी ये, आपकी आंध्र प्रदेश की नहीं थी। कौन सा इनकरेक्ट है? ओनली 3। छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट का नाम बदल करके औरंगाबाद एयरपोर्ट नाम रखा गया है, तो ये कहाँ पर है? जहाँ पर औरंगाबाद होगा ऑब्वियसली महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नए प्रेसिडेंट जो हैं कैमरून के वो बने हैं पॉल बिया, सही। बुंदेलखंड में बनेगा ये आपका एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे MP में नहीं बनेगा, ये UP में बनेगा, बी हमारा आंसर है। नए PM मलेशिया के बने हैं मुहिदीन यासीन, और कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करेगा बिहार, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं? पॉल बिया बने कैमरून के प्रेसिडेंट, ये तो सही है, हमने ऊपर ही देखा। स्कॉर्स मोबाइल ऐप ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI का है, सही। IIT मुंबई ने अभी जो QS की वर्ल्ड रैंकिंग्स होती हैं इसमें अपना स्थान हासिल किया है, कि QS की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की तरफ से IIT मुंबई ने सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त की है, सही। ऑल ऑफ द वो यहाँ पर करेक्ट है। कोरोना वायरस पैंडेमिक से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने रुपए डॉलर की यहाँ पर सहायता की घोषणा की? ये सहायता है 12 बिलियन की, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट नहीं मिलाया गया है? पहला है डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के KG ढिल्लों, ये सही है।
रिलेशन ऑफ होल जीन सीक्वेंसिंग, WGS का WGS जो टर्म है किस रिलेटेड है, जेनेटिक्स से, सही। उसके बाद वेल इन्फॉर्म्ड मदर कैंपेन प्रेग्नेंट वुमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, ये भी सही है। उसके बाद मो सरकार इनिशिएटिव ये गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम का है, ये हमारा गलत है क्योंकि मो सरकार इनिशिएटिव ओडिशा गवर्नमेंट का है ना कि मिजोरम का। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग में प्रस्तावित चेयर ऑफ एक्सीलेंस का नाम अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है, सही है। पुणे की जो है एक यूनिवर्सिटी है और आपका IAF इंडियन एयरफोर्सेस ने मिलकर के चेयर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश की है अर्जुन सिंह के नाम पर, डिफेंस मार्शल पूर्व हमारे अर्जुन सिंह के नाम पर। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ ए एंड बी या वन एंड टू करेक्ट। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला किसने रखी, ये PMG ने रखी थी इसकी आधारशिला, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सेना का पुनर्निर्मित पशु युद्ध स्मारक यानी कि एनिमल वार मेमोरियल, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ, इसका उद्घाटन हुआ बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि कर्मचारियों के लिए अब रिटायरमेंट एज होगी 58 वर्ष, ये सही है। उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया है कि आरोग्य मित्र वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भेजेंगे, अपॉइंट करेंगे, ये भी सही है। इंडियन रेलवेज ने रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स यहाँ पर शुरू किया है असम रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में, ये भारत का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहा जा सकता है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली आसनसोल रेलवे स्टेशन है, असम नहीं है, आसनसोल रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अभी सभी बचत खातों में कहा है कि कोई मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें आपका डिडक्शन होगा, तो मिनिमम बैलेंस वेव ऑफ कर दिया SBI ने COVID-19 के चलते। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 115 यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट जारी की थी, इसमें 5 इंडियंस को शामिल किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। क्या आपको पता है कि इन 5 इंडियंस का नाम क्या है? पाँचों नहीं तो कम से कम 2 मेजर पता होना चाहिए। सबसे पहले बायजू रविंद्रन, बायजू के जो फाइंडर हैं उनको इसमें जगह दी गई है, और जोमैटो के जो फाउंडर हैं इंडिया में गौरव गुप्ता, उन्हें जगह दी गई है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 सी। आगे क्वेश्चन है कि महिला जनधन खाताधारकों को अगले 3 महीने के लिए 500 रुपये प्रतिमंथ की राशि प्रदान की जाएगी, सही है, राहत तौर पर, और मनरेगा वेजेस जो है 182 से 202 रुपये कर दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये सब किसके चलते किया गया? लॉकडाउन COVID-19 के चलते। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार संबंधी अवैध वित्तीय प्रवाह के मामले में पहले स्थान पर चीन है, इस रिपोर्ट में भारत को क्या स्थान दिया गया है? इसमें भारत को 3रा स्थान दिया गया है, 2nd नंबर पर मेक्सिको है, तो इंडिया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटेड एलिसिट फाइनेंशियल फ्लो में 3रे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि हेल फुस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गलिस को एबल पुरस्कार में शामिल किया गया, दो लोग इसको शेयर करेंगे सही। जोया अख्तर ने ये जो IIFTC हुआ था, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, ये हमने अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन में भी देखा है, दोनों ही ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि तवलीन सिंह ने किताब लिखी है मसीहा मोदी टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये पुस्तक सही है, इन्हीं की है, तवलीन सिंह की। जन औषधि वीक मनाया गया 1 से 7 मार्च को, और थीम थी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, IAM जेंडर इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को अपने घरों में किस प्रकार के पशुओं को रखने के लिए 900 रुपये प्रति माह का अनुदान देने की बात कही है, तो स्ट्रे एनिमल्स को अगर कोई रखना चाहता है तो उसको 900 रुपये प्रति माह उसके खर्चे के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश सरकार से। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की भविष्यवाणी के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 3.5% है, टेक फॉर ट्राइबल्स इनिशिएटिव ये ट्राइफेड का है, तो आपके यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है ऑल। भारतीय सेना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 कहाँ पर आयोजन हुआ था, इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में, डी। आगे क्वेश्चन है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है आपके, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया प्रेसिडेंट जी के द्वारा, सही। रिसेंटली तमिलनाडु ने जो है सेनेटरी पर्सनल्स को यानी कि जो है सफाई कर्मी थे उनको क्लीनलीनेस वर्कर्स कहा है,
सेनेटरी पर्सनल्स को उनको उनको ऑनर करने के लिए, सही है, जो सैनिटाइजेशन के कार्य में लगे थे उनको क्लीनलीनेस वर्कर के कहकर पुकारा है तमिलनाडु ने। इंडियन रेलवे ने टारगेट रखा है कि ब्रॉड गेज को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाई कर देंगे दिसंबर 2023 तक। तो इन्हों ही सही है यहाँ पर, डी। आगे क्वेश्चन है हमारा कि क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था। विमोचन किया है स्मृति जुबिन ईरानी ने। इसमें कंपाइलेशन शामिल किया गया है। चेंज चैंपियंस किन्हें कहा गया है? 25 ऐसे उदाहरण इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं क्रॉनिकल में, जो चलाए गए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जो लोकल लेवल पर कैंपेन्स चले थे उनका कंपाइलेशन है इसमें, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस में। हाल ही में पुनर्गठित आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष कौन है बताना है? तो इसमें अध्यक्ष बनते हैं, गृह मंत्री बने हैं अमित शाह अध्यक्ष, और इसमें सदस्य के तौर पर शामिल है निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द फ्यूचर ऑफ वर्क वुमेन इन इंडियाज वर्कफोर्स सेमिनार का आयोजन ये कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सिटीज समिट 2020 के संबंध में सही कथन चुनना है। समिट का विषय था यहाँ पर लाइवली एंड सस्टेनेबल सिटीज अडेप्टिंग टू द डिस्ट्रप्टेड वर्ल्ड, और इसकी समिट हुई थी सिंगापुर में। तो आपके यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ वन एंड टू। गैम्बिया भारत के विदेश मंत्रालय की ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना में शामिल हुआ। गैम्बिया कौन से नंबर का विदेशी देश है जो इस नेटवर्क में शामिल हुआ? गैम्बिया 16th कंट्री है, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल योग डे जो 21 जून का होगा ये कहाँ पर मनाया जाएगा? लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी। लग्जमबर्ग ने सार्वजनिक परिवहन को अपने देश में मुफ्त कर दिया है, यानी कि लोग फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ की मेट्रो बसेस से अपने ऑफिस तक जाने के लिए। ऐसा किया गया है जिससे लोग अपनी कार्स का कम से कम उपयोग करें सड़क पर। चौथा अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु ने की। तो यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, उपर्युक्त सभी। अभी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने निगाह ऐप लॉन्च किया है। तो निगाह का क्या मतलब है? तो ये एक जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप है, या फिर कह सकते हैं शिकायत करने वाला ऐप है। इसमें इलेक्शन से संबंधित, जैसे वहाँ पर निकाय चुनाव हो रहे हैं प्लस पंचायत चुनाव अभी होंगे आंध्र प्रदेश में, अब शायद नहीं हो पाएंगे कोविड की वजह से, लेकिन ये ऐप लॉन्च किया गया था जिससे अगर कोई भी लिकर सप्लाइंग करता है या फिर वोट्स को मैनिपुलेट करने का काम करता है लिकर सप्लाई करके, कैश का सप्लाई करके, तो उसको पकड़ा जा सके और लोकल लेवल पे लोग इसकी शिकायत कर सकें फोटोज भेज करके। अगला क्वेश्चन है कि 68th ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप ये कहाँ पर शुरू हुई थी? पंचकुला में, भानु नाम की जगह पर पंचकुला हरियाणा में। हरियाणा ने अनाउंस किया था कि वो स्कूटर से यहाँ पर देंगे। हरियाणा स्टेट ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और जिला परिषद विलेज सरपंच जो विमेन है उनको। तो दोनों स्टेटमेंट सही है हरियाणा के बारे में, सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी मल्टीलिंगुअल इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट लॉन्च की है, ये सही है। उसके अलावा सिल्वर ये जो है बर्निल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में बियर एलियो जर्मेनो ने ये जीता है। सिल्वर बियर एलियो जर्मेनो ने जीता है, सही है। एनएसजी रीजनल हब जो कोलकाता में है इसका इनॉग्रेशन अमित शाह के द्वारा किया गया। तो इसमें आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है, तो यहाँ पर चला जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। आगे क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश अपनी ग्राम पंचायतों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ कितने बिलियन डॉलर पर हस्ताक्षर कर चुका है? 80 मिलियन डॉलर का ये किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है? दुबई टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने, दोनों ही सही। उसके बाद टोक्यो मैराथन में पुरुषों की दौड़ इथोपिया के बिरानो लीसे ने जीता है, तीनों ही सही है, ऑल ऑफ द अबव। अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने रशिया के एथलेटिक्स फेडरेशन को कितने मिलियन डॉलर से फाइन किया है, यानी कितने का जुर्माना लगाया है? 10 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है यहाँ पर, बी। आगे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम 2020 का विषय है वी डिसाइड। 12 मार्च को बिहार दिवस जो है मनाया जाता है, बिहार का स्थापना दिवस। हाल ही में राम मनोहर लोहिया की जयंती 23 मार्च को मनाई गई।
इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है इस पर बताना है, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 22 मार्च को फाउंडेशन डे होता है बिहार का, ठीक है ना, कि 12 को। तुम्हारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली बी, सेकंड ओनली, बाकी ये सही है फर्स्ट और थर्ड। जैनिस जॉनसा को स्लोवेनिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। डेनिस शिमगल यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने। एडनान अलजरफी इराक के नए प्रधानमंत्री बने। तो ये तीनों ही राष्ट्राध्यक्ष बने इन तीनों देशों में, सही बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, ऑल ऑफ द अबव। अभी हाल में बशीर खान को किस राज्य के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के चौथे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की राज्यपाल हैं जेसी मुर्मू, उसके लिए चौथे एडवाइजर बने हैं बशीर खान। अगला क्वेश्चन है, संजय कुमार पांडा को तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। करण बाजवा को हाल ही में भारत में गूगल क्लाउड का प्रबंध निदेशक बनाया गया। दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन में हमने देखा दोनों ही सही हैं। आगे क्वेश्चन है कि पोषण पखवाड़ा नामक एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य ने किया? पोषण पखवाड़ा मनाया गया गोवा में, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? विश्व आर्थिक मंच ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म शुरू किया। अमेरिका ने कोविड-19 के टीके का मूल्यांकन करने का पहला मानव परीक्षण शुरू किया है, ठीक है, ये भी सही है। कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए सिंगापुर में पहली बार एंटीबॉडी परीक्षण उपयोग करने का दावा किया। तो ये तीनों ही देशों का जो प्रयास है इसके बारे में, ये सही है, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम 1 अप्रैल 2020 से डिजिटल सेवाओं पर कितने प्रतिशत कर लगाएगा? तो कर लगाए जाएंगे 2%। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? बिजनेस ऐप खाता बुक ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना जो स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाया है। महेंद्र सिंह धोनी इसका एडवर्टीजमेंट करते दिख सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ वर्क वुमेन इन इंडियाज वर्क फोर्स का आयोजन दिल्ली में हुआ था। फूलदेई नामक फसल उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। तो आपके सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए 1075 ये टोल फ्री नंबर किसने चलाया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत ने। अगला क्वेश्चन है कि कितने पत्रकारों को सड़क सुरक्षा मीडिया फेलोशिप 2019 के लिए चुना गया है? 12 को चुना गया है इसमें, ठीक है, 12। अगला क्वेश्चन है कि मशरूम विमेन के नाम से प्रसिद्ध बीना देवी को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 मिला। दुती चांद को चेंज मेकर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में, सही दोनों स्टेटमेंट। उसके बाद है कि ओनली वन इंडियन प्लेयर पूनम यादव हैज़ गॉट अ प्लेस इन विमेन्स T20 वर्ल्ड कप टीम। तो महिला विश्व कप T20 जो टीम बनाई गई है उसमें केवल एक भारतीय को शामिल किया गया है जिनका नाम है पूनम यादव। तो यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी, तीनों ही सही है स्टेटमेंट्स। नेपाल को स्कूल भवनों का निर्माण करने के लिए 107.01 मिलियन नेपाली रुपयों का अनुदान करने का समझौता किसने किया था? इंडिया ने, ऑप्शन नंबर सी, भारत ने अनुदान दिया। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? मिशन शक्ति नामक एक विशेष विभाग की स्थापना मिजोरम सरकार ने की है। SS देसवाल जो है ये न्यू डायरेक्टर बने हैं डायरेक्टर जनरल BSF के। सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वन एंड ओनली, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो मिशन शक्ति ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया है ओडिशा के द्वारा, ना कि मिजोरम के द्वारा। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा वन ओनली। अगला क्वेश्चन है कि भारत में RBI ने भारत में वॉइट लेबल ATM की स्थापना और संचालन के लिए IT सेवा प्रबंधन कंपनी वक्रांगी को जारी ऑथराइजेशन प्राधिकरण वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो अब ये वैधता बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2021 तक, ऑप्शन नंबर ए। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? सुमंत कठपालिया अब MD और CEO बन गए इंडसइंड बैंक के, एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी जिसकी क्षमता होगी 650 TFLOPS ये जो है स्टैब्लिश की जाएगी IIT गुवाहाटी में। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके करेक्ट हैं, यहाँ पर सही हो जाएगा आपका बोथ वन एंड टू। हाल ही में कोविड-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने अपने सदस्य देशों को कितने बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? ये पैकेज है 6.5 बिलियन डॉलर का, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? CPR संवाद का दूसरा संस्करण मार्च 2020 में
इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 16 से 20 मई 2020 के मध्य चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोच्चि केरल में आयोजित किया गया। यहाँ पर बोथ सही है, बोथ वन एंड टू, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में रेस 2020 RAISE रेस 2020 वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन को कोविड 19 के कारण 5 से 6 अक्टूबर 2020 तक स्थगित कर दिया है। ये किस देश का पहला सम्मेलन होने वाला था? ये भारत का पहला व्यक्तिगत था सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 21 विजेताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। श्रीमती अमिता पांडव ने सूचना आयुक्त, जो ये आपका केंद्रीय सूचना आयोग है, इसमें शपथ ली इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हो, प्रयुक्त सभी। वेयरहाउसिंग सुविधा स्थापित करने के लिए पहली भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट ने किसके साथ साझेदारी की? तो ये SEZ के साथ साझेदारी की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और किसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ? हैदराबाद के, हैदराबाद एयरपोर्ट के SEZ के साथ, ऑप्शन नंबर ए। सीमा सड़क संगठन ने हाल ही में सिक्किम के किस शहर के पास तीस्ता रिवर पर 360 फीट लंबा सस्पेंशन पुल खोला है? ये एस्टेब्लिश किया गया है चुंगथांग में, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस आईकास ने 1 मार्च से को 44वें सिविल अकाउंट्स डे के रूप में मनाया। हाल ही में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड योजना दिल्ली सरकार ने लॉन्च की। बेंगलुरु जो है सबसे डिजिटली ट्रेडेड सिटी है, यानी कि बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। अगर हम पूरे स्टेट वाइज डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की संख्या में सबसे बड़े स्टेट की बात करें तो वो है महाराष्ट्र। ये जो है किसी सरकारी डेटा से नहीं है, ये जो है एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, उसने दिया है। आप उसका नाम हमको कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस दिवस को युवा सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 23 मार्च को जो शहीदी दिवस होता है, मार्टिरडम डे, फांसी पर चढ़ाए गए थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उस दिन यूथ एम्पावरमेंट डे मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता चीन ने की। 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जो है जादव पायेंग, जो कि असम से है, उन्हें मिला। थर्ड सही है, आपका सेकंड भी सही है, क्योंकि UNSC में क्या होता है कि हर महीने एक नया मेंबर जो है चेयर करता है। जैसे अगली बार डोमिनिक रिपब्लिक करेगा, और उससे पहले कोई किसी और ने किया था, हर महीने बदलता रहता है। फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा वन एंड ओनली, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। ये दाल भात योजना जो है छत्तीसगढ़ की नहीं है, झारखंड की है। हाल ही में राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी का निधन हो गया था, जो ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन से जुड़ी हुई थी बहुत पहले से। ये किस मिशन की ब्रांड एम्बेसडर थी? स्वच्छ भारत मिशन की थी। ऑबिचुअरी से एकमात्र यही रिलेटेड MCQ हमने बनाया है, ये खाली इंपॉर्टेंट हो सकता है। पांचवा बिम्स्टेक समिट 2020 कब होगा? ये होगा सितंबर 2020 में, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन नंबर टू। बाकी अगर हम देखें, श्रीलंका बिम्स्टेक का प्रेसिडेंट है 2018 से 20 तक। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1997 में। सेक्रेटरीट ढाका में है इसका, और 7 मेंबर कंट्रीज बिम्स्टेक के इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं एम शाहिदुल इस्लाम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? झारखंड सरकार ने बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 5,000 और 7,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता देने का निर्णय लिया है। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद, जो TFAC हम बोलते हैं इसको, इसने 8 मार्च 2020 को विज्ञान ज्योति योजना शुरू की है, जो विमेन को प्रमोट करेगी विज्ञान की दिशा में आगे जाने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ वन एंड टू, सी। हाल ही में GMR समूह को विशाखापट्टनम के पास भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो ऑब्वियसली जहां पर विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने दी है, सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? चौथा स्पोर्ट्स टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में PV सिंधु को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, सही। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी अमृत कौर को टाइम्स पत्रिका ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया। यहाँ पर सही आंसर है बोथ वन एंड टू। 2020 में नैनो टेक्नोलॉजी और
विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसको आइकन सैट बोल सकते हैं शॉर्ट में, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? आइकन सैट हुआ था आपका कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। कौन से कथन यहाँ पर सही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में IMF पॉलिसी ट्रैकर शुरू किया है, जिससे उनकी वेबसाइट पर ये ट्रैक हो जाएगा, ये जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा देश कौन से इकोनॉमिक मेजर्स ले रहा है COVID-19 से अपनी लड़ाई के क्रम में। क्या इकोनॉमिक मेजर्स ले रहा है, बेसिकली ये IMF पॉलिसी ट्रैकर में दिखेगा अलग अलग कंट्रीज का टेक। अगला है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी। पेका लैंडमार्क बनी है नोकिया के पहले अध्यक्ष और CEO के रूप में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार जैक मा एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, इन्होंने अंबानी को पीछे छोड़ दिया है, ध्यान रखिएगा। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं चाइना से जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर जो हैं। और अगर हम बात कर लें मुकेश अंबानी की, तो 19वें नंबर पर ओवरऑल लिस्ट में। ओवरऑल लिस्ट में पूरी दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति बने हुए हैं ब्लूमबर्ग के अनुसार जेफ बेजोस, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट के आपके क्या नाम है उनका, बिल गेट्स। अगला है सेवानिवृत्ति के बाद अपने कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने की नीति को पंजाब सरकार ने समाप्त कर दिया है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑल ऑफ द अबव।